कृष्णा, दूसरी लड़की की शादी है ना, लीजिए। हाँ, आसपास के किसी गांव को हमने छोड़ा नहीं है, चारों तरफ जाके सभी को न्योता दे दिया। सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। आगे ईश्वर की मर्जी। नारायण। ये सब क्या हो रहा पंडित जी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये लड़ाई झगड़ा खींचातानी में लड़की की शादी हो रही है? लड़की में ऐसी क्या कमी है, सारा गांव थू-थू कर रहा है। सोचने वाली बात है, क्या तुम्हें ये सब अच्छा लग रहा है, बताओ मुझे। आपके ही घर की बेटी एक खुशहाल जिंदगी जिए, ये हर माँ बाप की इच्छा होती है कि नहीं? फिर ऐसा करने का क्या कारण है? मैं ये जानता हूँ, मगर इसका जवाब मेरे पास नहीं है। मैं तो घर में कचरे की तरह एक कोने में जमा जैसा रहता हूँ, जिसका कोई मोल नहीं। मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ जो घर के लिए नमक भी खरीद सकूँ। ये सब मेरी बेटी और उसका बेटा मिलके कर रहे हैं। मैं अगर बीच में कुछ बोल दूं तो वो घर के बाहर का दरवाजा दिखा देंगे। रास्ते में गिर के ना मरूं, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलता। ए, शेखर किधर है? अंदर है। अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खान समझते हो? तुम सभी लोग यहां से बाहर जाओ, मुझे इससे अकेले में कुछ बात करनी है। निकलो। गणेश, तू धोखाधड़ी करके उसके प्यार को छीन रहा है ना? चार दिन उनके साथ रह के उनके प्यार का सच्चा गवाह बना तू, और आज तू एक दोस्त होके इस तरह की नीच हरकत कर रहा है? इस तरह की नीच हरकत मत दिखा, समझे? मैं जब लंगोट बांध के घूमता था, तब से मैं उस इंदु को देख रहा हूँ। वो बचपन से जवान हुई, तब से मेरा दिल चाहता था मैं उसे अपना बनाऊं। हो सकता है मेरी वजह से कुछ लोगों को दुख पहुंचा हो, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ ही देर बाद उससे मेरी शादी होगी और वो मेरी पत्नी बन के इस घर में आएगी। नहीं, अगर तुझे उसका कुछ मिला तो बस जिस्म मिलेगा, दिल नहीं। अरे जानता हूँ यार, उसके दिल में मेरे लिए नफरत है, बस कुछ दिनों के लिए। बाद में जब मेरा जिस्म उसके साथ होगा तो परिवार तो बढ़ेगा ना, फिर बच्चों को देखकर उसका दिल मुझ पे आ ही जाएगा और सारी नफरत प्यार में बदल जाएगी। प्यार के नाम से इस दुनिया में कितनी चिताएं जल चुकी हैं और कितने कब्र बन चुके हैं, तू तो जानता है। बेटी इंदु, ये क्या है, क्यों ऐसी बैठी हो? वक्त बीता जा रहा है, चलो उठो, तैयार हो लो। बेटा, हमें मंदिर भी पहुंचना है ना। क्या नाटक है, तू जरा इधर से भाजोट। ये रोने धोने का नाटक बनकर समझ गई ना,
देख अच्छी तरह समझा रहा हूँ, बहुत ज्यादा नाटक किया ना तो। ये सब क्या हो रहा है? दोनों इस कमरे से बाहर जाओ, मुझे मेरी लड़की से कुछ खास बात करनी है। कह दिया ना बाहर जाओ। किसी तरह से तेरा घर बसाने की कोशिश कर रहे हैं हम रिश्ता करके, और ऊपर से नाटक कर रही है। शादी के बाद दो बच्चे पैदा करके किसी औरत के चक्कर में तेरा दादा हमें यहाँ छोड़कर चला गया था। खून को पानी की तरह बहाकर तुझे और तेरे भाई को बड़ी मुश्किल से मैंने पाला है। बिना किसी सहारे के तुम दोनों को मैं यहाँ तक ला सकती हूँ, तो तुम्हारी शादी कराने की हिम्मत भी मैं रखती हूँ। तूने अगर मेरी इज्जत लुटाने की कोशिश की तो एक लीटर घास लेट और एक माचिस काफी है मेरे लिए। तेरे सामने मैं अपने आप को जिंदा जला लूंगी, उसके बाद मेरी लाश को लांग के तू चली जाना अपने उस आशिक के पास। आए बड़े ठाकुर बनने, हमेशा मुझे खून के आंसू रुलाने वाले तेरे बाप के खानदान वाला ही है वो लड़का। मेरी बेटी को उस खानदान में अगर देने की नौबत आई तो तुझे दुल्हन बनाने की जगह तेरी चिता जलाना पसंद करूंगी मैं। मुझे तू या तेरा बाप क्या कोई भी धोखा नहीं दे सकता। इंदुजा के जल्दी तैयार हो जा, वक्त मत बर्बाद कर। जो गुजर रहा है वो ना मिलने वाला एक स्वर्ग समझना बेटा। जिस जहन्नुम में तू जा रही है वो जहन्नुम तेरे लिए स्वर्ग बन जाए, ये तेरा दादा प्रार्थना करेगा। और मैं क्या कर सकता। जोशी सेठ, जोशी, मैं हूँ पीताम्बर, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, बैठ जाऊँ क्या? चल बैठ जा। हाँ ये क्या बड़े भाई, शुरू हो गए? वो किधर है? वो क्या सोया हुआ है? ओम नमः शिवाय। मालिक नमस्ते। नमस्ते मालिक, मैं पीताम्बर हूँ। तो होने दे। हाँ? अरे होने दे ना। हाँ? एक बार कहा गया, समझ में नहीं आता। उधर तुम क्या देख रहे हो? वो देख, अरे वो देख ना, वो देख मेरी जान, जिसको अपना बनाने के सपने देखता था मैं। जिसकी तमन्ना मेरे दिल में थी उसको मेरा ही यार उड़ा के ले जा रहा है। प्रिय सखी तुम खुशी खुशी जाओ, मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। मेंढकी कह के अगर उसे कोई पुकारता था तो वो जोर जोर से चिल्लाती और फिर रोने लग जाती थी। गलती से जब एक बार मैंने उसे कहा तो वो चिल्ला कर रोई नहीं, लेकिन आंखों में आंसू आ गए थे। हाँ ये वही है। पहली बार मंदिर में उत्सव के दिन मेरे घर के सामने खड़ी होकर दीदी है क्या, ऐसा पूछी थी उसने। मैं जब भी हर परीक्षा में पास होता था तो वो भगवान के सामने जरूर दिया जलाती थी। जब कथकली के नाच देखने जाते तो एक दूसरे की आंखों में झांकते जागते कब सवेरा हो जाता था हम लोगों को पता ही नहीं चलता था। भूखी प्यासी रह के मेरे घर के सामने से जब गुजरती मैं उसे बुलाता, लेकिन वो कभी नहीं आती, मुस्कुरा के चली जाती थी। ये वही लड़की है देखो जो आज किसी और की बाहों में सिमटने जा रही है। ए परी भाई, एक पैग और बनाऊं क्या? परी भाई नहीं, परी भाई नहीं, श्री हरी भाई। यहाँ आसपास कोई बीच है क्या? बीच क्यों, खुदकुशी करनी है क्या? नहीं, मुझे लहरों से खेलना है। तू बेकार की बातें मत कर, तेरे दिल को हम समझ रहे हैं। तू एक बार भी कहता तो ये शराफत है। उसकी माँ को, उसके परिवार को तकलीफ हो
ये मैं देख नहीं सकता और ऐसा होने भी नहीं दूंगा। खैर छोड़ो, चलो। वैसे एक बार उसे देखना था दुल्हन के भेष में। अरे उधर कुछ लफड़ा हो रहा है। ये तो पीताम्बर है। चलो बस अब जाने दो मुझको। मुझे छोड़ दो जलील। ये क्या तमाशा है मालिक? शादी के बारात के समय दूल्हे को काट पीट कर छोटा करने के लिए तुम्हीं ने तो पैसा दिया था और अब तुम मुझे ही मार रहे हो। क्या कहा तुमने? लोगों को बेवकूफ मत बनाओ साहब। पीताम्बर पैसा लेता है तो काम भी करता है। तुम मेरे साथ ऐसा नौटंकी मत करो, ये अच्छा बात नहीं है। पैसा दिया मैंने? जब तुमको तुम्हारी महबूबा नहीं मिली तो ये काम तुमने मुझसे करा और अब अपनी प्रेमिका के सामने तुम खुद हीरो बनना चाहते हो? काली मुझे दोषी बता दो। ऐसा नहीं होगा साहब, ऐसा नहीं चलेगा। श्री हरि। क्या कह गया वो पीताम्बर? ये क्या है साहब? पीताम्बर जैसे क्रिमिनल की बातों में आके आप काम कर रहे हैं, वो सही नहीं है। इसको मामूली बात कहकर इग्नोर नहीं कर सकता। श्री हरि को ले जाकर उससे इंक्वायरी करनी पड़ेगी। पीताम्बर को 4-5 दिन अंदर रख के ऐसी धुलाई करो कि सच क्या है वो खुद ही बता देगा। वो पहले से ही 4-5 केस लड़ रहा है, उसको पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे पास गवाह है। श्री हरि पीताम्बर तुम्हारे दोस्त जोशी की गाड़ी में वहां पर आया था और यह भी कहना है कि तुमने पीताम्बर से बात भी की थी। मैं मजबूर हूं, कानूनी कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। मैं चलूंगा, मैं जा रहा हूं भैया। हरि, ये लोग मुझे फांसी पे थोड़ी ना चढ़ा देंगे। हाँ। याद रहे यहां का ध्यान। हाँ। रखना। चलिए इंस्पेक्टर। हाँ। ये है सच्ची कहानी। अब आगे चलने वाली कहानी तुम्हारा ये केआर अंकल लिखने जा रहा है। इसमें अगर क्लाइमेक्स मिल गया तो समझो कहानी बहुत बढ़िया बन जाएगी और इसमें बहुत सारे इवेंट भी हैं। ये तुम्हारे इस अंकल की किस्मत है, शायद ये फिल्म की कहानी बन जाए या फिर सीरियल की। तो क्या उस अंकल की डेथ हो गई? नहीं, लेकिन उसका पूरा शरीर किसी लायक नहीं रहा, वो बेडमैन हो गया। इंदु आज भी उसके साथ है, एक सच्ची पत्नी का धर्म निभाते हुए। तो फिर श्रीहरि अंकल कहाँ है? उस केस में उसको 1 साल की सजा हो गई।
जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। उसकी सजा पाने के बाद वो पूरी तरह टूट चुका था। जेल से बाहर आने के बाद वो इंदु से मिलने गया, सिर्फ एक बात। तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी इंदु। सुननी पड़ेगी? अब सुनने के लिए बचा क्या है? अब मैं धोखे में नहीं आऊंगी। सच क्या है मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मेरा यकीन करो। जो कुछ हुआ उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। पीताम्बर किसी के कहने पे मुझे फंसाना चाहता है। कोर्ट ने भी तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया। वकील तुम्हें बेगुनाह साबित नहीं कर पाए। क्या ये सब गलत था? उसका मुझे कोई अफसोस नहीं। बेगुनाह होके भी मैं सजा भुगता हूँ उसका भी अफसोस नहीं है। लेकिन आज तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है सुनकर। मुझे जाने दो श्रीहरि, तुम मुझे लाख समझाने की कोशिश करोगे फिर भी मुझे यकीन नहीं होगा। पुराना श्रीहरि बनने की ये तुम्हारी नई चाल है। तुमने एक बार मिलने की ख्वाहिश जताई थी इसीलिए मैं यहाँ चले आई। मुझे जोर जबरदस्ती से अपना बनाने वाले मेरे पति से ज्यादा मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम्हारी शक्ल से नफरत करती हूँ। मुझे जाने दो। रुक जाओ इंदु, मैंने तुमसे प्यार किया है, क्या मैं कभी चाहूंगा कि तुम्हारा दिल दुखे? इंदु तुमसे प्यारा तो आज भी मेरे लिए दुनिया में कोई नहीं है। श्रीहरि धोखेबाज नहीं है लेकिन तुम मुझे धोखेबाज समझती हो। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, शायद ये मेरी बदनसीबी है। ये दर्द शायद तुम नहीं समझ सकती। उसके बाद उसने गांव ही छोड़ दिया। बरसों तक उसका कोई अता पता नहीं चला। फिर एक दिन पता चला वो पेरिस में है। ये घर और मैं आज भी उसका इंतजार कर रहे हैं। मुझे इंदु जी से एक बार जरूर। लब पे हंसे श्रीहरि लौटेंगे और इंदु जी को अपने साथ जरूर ले जाएंगे। मैं आज उसी ट्रैक पे काम कर रहा हूँ। एक हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए तो नावल चलेगा। हॉबी में? गोभी? गोभी में नहीं, हॉबी में। हॉबी, हॉबी कुछ समझे? शिवाजी के ताज को बदल के वहाँ डुप्लीकेट ताज रख दिया गया, किसी राइटर ने लिखा क्या? खाओ। हाँ मैं यहाँ हूँ, रमन के यहाँ, बाद में फोन करता हूँ। सुना है तुम आसाम से लाए हुए हाथी को बेचने का प्लान बना रहे हो? हाँ आसाम का है, मैंने देखा है, दिमाग वाला है मगर थोड़ा गुस्सा ज्यादा है। ए खिलाओ उसको। जी मालिक। ए चंद्रा, तू काम से जाने वाला था अभी तक गया नहीं? मैं दोपहर के बाद जाऊँगा, जरा कुछ अर्जेंट काम था। किसको? उसको या तुझे? वैसे मैं सुबह ही जाता मगर लॉरी नहीं मिली इसलिए लेट हो गया। तू हाथी से किसी का घर तोड़ पाता है क्या? रास्ते में तू पैसा लेकर अपना दूसरा काम भी करता रहता है। कसम से मालिक, पीने के पानी की कसम, ये चंद्र आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। सच सच बता, तू किसी गरीब के घर पे हाथी चढ़ाएगा? बता। कसम से मालिक, मुझे बेवकूफ समझ के मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश मत करना। बरसों से मैं हाथियों को पालते हुए आ रहा हूँ, हाथी की लीद को भी मैं पहचानता हूँ। चल चल जा आंखों के सामने से। मम्मी आपको बुला रही है। अपू भैया। अबे तेरा बाप और छोटे मालिक का बाप एक ही है क्या? नहीं। तो तू और छोटे मालिक हाथी के धंधे में पार्टनर है क्या? नहीं, नहीं ना। तो फिर जो पगार मिलता है उसमें खुश रहो, फिर ऐसी गलती मत करना। मैं जरा बाहर जा रही हूँ तेरी नानी माँ के पास। गाड़ी का ड्राइवर है ना? तो क्या हुआ, ये सब कुछ होते हुए मैं वहाँ पैदल ही जाती हूँ। वहाँ मुझे कुछ जवाब देना है। तू इतना खामोश क्यों बैठा है? तुझे शादी नहीं करनी है क्या? लोगों को जवाब देते मैं थक गई हूँ। तुम्हारा इरादा क्या है बता? मेरा जब जी चाहेगा तब मैं शादी करूंगा और तब मैं सबको बता दूंगा, ये कह देना अगर कोई पूछे तो। तेरे मन में जो आता है तो वही करता है। मैं जानती हूँ मैं बूढ़ी हूँ इसलिए पूछ रही हूँ। इंदु दूसरे की बीवी बन चुकी है फिर तू क्यों इतनी आस लगाए बैठा है? भैया तू अपनी हद में रहा कर, मुझे समझाने की कोशिश मत कर। ये लड़का सच जाने के बाद भी समझाने पे तेज में आ जाता है, उसकी कमर टूटे पति के मरने का तो इंतजार कर रहा है क्या? दूंगा ना, चल अपना काम कर।
ओह, किस बुरे वक्त में ये लड़का पैदा हुआ है, पता नहीं खून का असर है, ये सुधरने वाला नहीं है। हाँ ठीक है, मैं फिर फोन करता हूँ। हाँ हाँ, क्या शक्ति, कोई तकलीफ है क्या तेरे को? रमन मुझे कुछ और दिन की मोहलत दे दो ना। नहीं शक्ति, सारी मोहलत खत्म हो गई। कितने दिनों से तुमने हमारा पैसा लिया हुआ है? तेरे जीजा के नाम पर जो घर और जितनी भी जमीन है वो तुम्हें इस वासु के नाम से लिख कर देना होगा। कर्जा तू सूद समेत जिस दिन चुका देगा उस दिन वो जमीन फिर से उसके नाम करा देंगे, नहीं तो उसे भूल जाना। ठीक है शक्ति, अब हम ऑफिस में मिलेंगे। ठीक है, एक महीना बस ज्यादा से ज्यादा। घर गिरवी रख के पैसे का अरेंजमेंट कर रहा हूं। अरे ये बिस्तर पे पड़ा है, पैसे तो चाहिए ना इलाज के लिए। तू ऐसे क्या बुत की तरह खड़ी है? मैंने विरोध नहीं किया, कभी हिसाब नहीं मांगा। शक्ति भैया, अगर ये घर हमारे हाथ से चला गया तो हमारे पास दादाजी और इनको ले जाने के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे तो सिर्फ तेरा ही स्वार्थ नजर आता है। कह लो शक्ति भैया, ये भी कह लो, जहाँ कहते हो चुपचाप साइन करने के लिए, दुनिया भर की गाली सुनने के बाद खामोशी से सहने के लिए, मैं इसीलिए पैदा हुई हूँ। ए, अपनी जबान बंद कर, बदतमीज मत कर। मैंने क्या गलत किया बताओ? बरसों से इस बॉडी को संभाल रहा हूँ, यही मेरी गलती है ना? शक्ति तुम उसको कुछ मत कहो, ये हमारी किस्मत है। बेचने के लिए अब कुछ और नहीं बचा, इसलिए उसने कह दिया हमें अपने हाल पर छोड़ दो। मेरे मरने के बाद तुम ही उसका सहारा हो, समझे? ये मत भूलना, तुम जा सकते हो। हेलो, काफी देर से इस तरह का मजाक हो रहा है, बीच में एक बार उसकी आवाज मैंने साफ साफ सुनी। फोन श्री हरि का ही था, और नहीं तो क्या? मैं आ रहा हूँ, गांव में पहुँच चुका हूँ, ये उन्होंने साफ तौर पे नहीं कहा। ISD कॉल था या STD कॉल था? ये वो बताएंगे तब तो। राइटर, STD था या ISD था? तब मैं थिएटर में था, ये बताया था ना, मैं थिएटर से भाग कर आ रहा हूँ, वो दिल्ली से आ रहा है, ये मुझे फोन आया था। काफी देर हो चुकी है, और इंतजार करना है क्या? नहीं, चलते हैं। सुनो, रात में अगर फोन आए तो तुम अटेंड करना, सारी बातों की विस्तार से जानकारी देना, समझे? मैं सुबह श्रीधर के घर पर आता हूँ। तो फिर तुम सो के नाटक लिखो। सो के नहीं, मैं बैठ के लिखूंगा। ए राइटर, आज भयानक रात है, बाहर मत निकलना, दरवाजा बंद करके चुपचाप घर पर ही रहना। हेलो मेरे बड़े भाई साहब, हम राइटर लोग रात के ही दीवाने होते हैं, हम आवाज पूना में सारी रातें हम लेखकों का मेन मुद्दा होती है। गुड नाइट। ये कहाँ सुनने वाला है। ये कहानी भी बहुत बढ़िया है, मैंने इसे खरीद के कोई गलती नहीं की, बहुत बढ़िया लिखा है। शेक्सपियर कहाँ है? विजय भैया, मिल गया। मच्छर लोग तुम्हें मैं बुलाऊंगा, तब तक इंतजार करो। शोले फिल्म का गब्बर सिंह, ये है हमारी कहानी का रमन, यानी कहानी का विलेन। मैंने हॉरर फिल्मों में खूब देखा है, जिस घर पे कोई नहीं रहता है ना, वहाँ झूला ऐसे ही झूलता रहता है। श्री हरि,
मुझे देख करके घबरा गया क्या? बेस्ट जॉनी बेस्ट। ये भी कोई आने का तरीका है क्या बिना सूचना दिए हुए? सूचना 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 सिर्फ जंग के ऐलान की दी जाती है सूचना। दिल्ली एयरपोर्ट की फ्लाइट में अपना मैं मोबाइल भूल गया था और मुझे याद आया मुंबई एयरपोर्ट के बाहर आने के बाद। वहां से बाहर आके जब मैं टैक्सी पकड़ने गया तो पता चला कि मैं पर्स भी भूल गया हूँ। उसके बाद विजय मिल गया मेरा दोस्त और उसकी गाड़ी में बैठ के एयरपोर्ट से निकला न्यू बॉम्बे और फिर रिटर्न बॉम्बे आ गया। कौन? हमारा वसई वाला विजय? जी हाँ, न्यू बॉम्बे घूमने के बाद मुंबई घूमा और फिर पूरा मुंबई घूमने के बाद इधर उसके साथ। कौन वो मद्रासी? जी हाँ, उसी ने तो मुझे यहाँ पहुँचाया है आपके पास। किधर है छोटू? वो छोटू, वो छोटू यहाँ तुझे मिलेगा दो रूप में। दो रूप में? क्यों? एक तेरे इंट्रोडक्शन खत्म, दूसरा ये पकड़ तेरे स्वागत में। छोटू विजय के साथ जब बेर बार में हमें बहुत देर हो चुकी थी तो मुझे याद आया कि अब हमें घर चलना चाहिए। आया तो, मगर आते समय गाड़ी की आवाज नहीं सुनाई थी। विजय छोटू किधर है? गाड़ी का पेट्रोल खत्म हुआ इसलिए धक्का मार के लेकर आए। छोटू विजय किधर है? मिलना है, देखना है क्या? हाँ भैया, छोटे भैया। ये है क्या विजय छोटू? ये विजय आनंद का ऑटो। ऑटो? हाँ, विजय अब आएगा। विजय भैया, स्लो मोशन में आना। स्टॉप। अरे हाँ विजय आनंद, तुमने कहा था। तू क्या समझा मैं मद्रासी विजय को लेकर आऊंगा? अबे बेवकूफ, इस संसार में पता नहीं कितने विजय आनंद घूम रहे हैं। हाँ तो विजय साहब, लौटेंगे कैसे आप? मैं तो चला जाऊंगा साहब, आप जाके सोइए। ठीक है, इसको निपटा दो यार जरा। ये मेरा छोटा भाई है सर, इसको क्या कहते हैं ये राइटर बड़े डंडे वाला। नमस्ते। गुड नाइट। विजय भैया ये बताओ कितना हुआ तुम्हारा? 3,200 रुपया साहब। 3,200 रुपया? वाशी गया, पनवेल गया, बेलापुर, फिर बॉम्बे वापस। बस, बस, बस। अगर मैं 3,200 रुपया दे दूं तुम रिक्शा छोड़ जाओगे? ये सवाल मैंने भी किया था, लेने से मना किया क्योंकि ये रिक्शा उसके पापा ने दिलाया। सेंटीमेंट, बाप का सेंटीमेंट। अच्छा तो तुम्हारे पिताजी का नाम रजनीकांत है? नहीं साहब, वो मेरा भाई है। मेरे बाप का नाम है अकाउंट मनी। दूसरे भाई का नाम कमल हासन तो नहीं है ना? तो ठीक है, तू ये पकड़, पैसे लेके आता हूँ। कहीं ये बम तो नहीं है? अच्छा जानी, अच्छा क्या बात है, यहाँ तो मेरे पुराने दोस्तों का खानदान को हुजूम लगा हुआ है और ये मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। भगवान मेरे दोस्तों को हमेशा सलामत रखना और हमारी दोस्ती भी इसी तरह कायम रखना, यही तुमसे हमारी प्रार्थना है। सत्य, 6 साल की जुदाई, उसमें 1 साल जेल की सलाखों के पीछे, बाकी 5 साल देश में विदेश में भेज बदल बदल कर इधर से उधर, उधर से इधर भटक भटक कर अपने गम को भुलाने की कोशिश करता रहा, मगर अफसोस मैं नहीं भूल पाया। करीब। कौन? करीब नाम की एक फ्रेंच लड़की की गोद में सर रखकर मैं बहुत बार रोया। तब वो मुझसे पूछती थी, जलील आदमी तू इस तरह क्यों रोता रहता है, क्या तेरा कोई मर गया है? तब मैंने कहा उससे, मेरा दर्द तो मैं ही जानता हूँ, मेरा दर्द तू क्या जाने। जोशी के साथ चर्च में क्रिसमस का त्यौहार मनाने गया था मैं, आइटम को साथ लेकर के मेला घुमाने गया था और श्रीधर के थिएटर में लैला मजनू फिल्म भी देखने गया था। वो सारा दर्द मेरे दिल में आज भी बैठा हुआ है। छोटे भैया, तुम्हें भाभी जी की कसम में सच कहना, एक बात बताओ मुझे। क्या बात है? तुम्हारी एक साली जिसको तुम छुप छुप कर मिलते थे और उसे घुमाने के लिए बाहर ले जाते थे, ये इंटरनेट पे मैंने पढ़ चुका हूँ, इसके बारे में सबको बता दूं क्या? चुप कर। राइटर। हाँ साहब। चाय सिर्फ मेरे लिए बनवाओ। बस मैं अभी लाया। जल्दी। हाँ। तुम्हारी कोई दूसरी साली है क्या? ए... कजन्स? आंटी? कोई नहीं है क्या? बिल्कुल अकेला तुम। कैसा सवाल करता है पागल। भगवान की कृपा से आज हमें बहुत बड़ी खुशी मिली है, बगैर तुम्हारे बीता हुआ दिन एकदम अच्छा नहीं रहा। पुराने यार दोस्त मिले इस बात की खुशी नहीं है, खुशी इस बात की कि सबके सब सुखी है। और भाई तेरा धंधा पानी तो अच्छा चल रहा ना? बहुत बढ़िया हरी, 50 साल तक पत्थर कटिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला है मुझको। अच्छा जानी, अच्छा। जोशी के पास भी 2-8 बसें हैं। हाँ। आगरा बॉम्बे हाईवे पे अच्छा चल रहा है इसका। ये सब कहने के लिए बहुत वक्त पड़ा है, पहले बता तू कैसा है?
यहाँ कब तक रहेगा? मैं यहाँ हूँ बड़े भैया, मगर मैं सारी बातें बता नहीं सकता अभी, क्योंकि इस दुनिया के रचयिता ने जो इस दुनिया को चलाता है उसने चलाने का जिम्मा हमारे हवाले नहीं किया, वो तो उसी के हाथ में है, सबसे बड़ा इमिग्रेशन ऑफिसर। हम हैं, हमारा ये पल है, बस यही एक सच्चाई है, इसीलिए तो मैं आपके सामने हूँ। वक्त ने एक एक चीज छीन के बिखेर दी। वो सारी चीजें मुझे बटोरना है, देखते हैं वक्त कब तक ये मेरा साथ देता है, कहाँ तक साथ देता है। अब तक की तो जिंदगी ने मुझे कहाँ कहाँ लेकर गई है। सबसे पहले 5 साल पहले जो संगीत विद्या को मेरे दिमाग ने गंवा दिया था, वो मेरे दिमाग की सबसे बड़ी हानि है। उस विद्या को पाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। उसे पाने के लिए मुझे सबसे पहले गुरु से मिलना होगा और एक बार उनका चेहरा देखना होगा। निति सरल सुखमा रामुनि सन्निधि से ये सुखमा निज मुग पल्गु मनसग निति सरल सुखमा। राम 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 राम। तो तुम लौट आए, बहुत अच्छा किया। तुम सचमुच गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने आए हो या? मन को शांति मिलती है जब आपके पास आके बैठता हूँ, अब भी शांत है। शांति मांगने से नहीं मिलती है, वो तुम्हारे अंदर निहित है। सच्चाई के राह में भय नहीं और उस पे चलने वालों का दुश्मन नहीं। संगीत को तुमने छोड़ दिया? शुद्ध संगीत के प्रति जो मेरे मन में प्रेम था वो कम नहीं हुआ है। अच्छी बात है। इस प्रकृति का कुछ नियम है, समस्त मानव जीवगण जैसे भोजन करते हैं वैसे ही ईश्वर भी करते हैं। शाकाहारी हो मांसाहारी हो, प्रकृति ने सबका तालमेल बिठाया है। वो जिस दिन बदला उस दिन ये संसार भी नष्ट हो जाएगा। तुम्हें इस मिट्टी को छोड़ना नहीं चाहिए था। शिष्य के रूप में यदि कोई विद्यार्थी सफल नजर आता था तो वह तुम थे। खैर, लौट के जाने से पहले एक बार तुम मुझसे मिलने जरूर आना, तुमसे मिलके बहुत संतोष मिलता है। हमेशा खुश रहो। तो वो कहानी लिख रहे हैं तुम्हारे केयर अंकल? वो बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये दोनों जैसा उनको समझते हैं मैं वैसा नहीं समझता, बड़े फेकू लगते हैं। फेकू चंद तेरी तो। कहानी ये लिखे या शेक्सपियर लिखे, खामियां तो हर जगह होती है। मैं अपनी कहानी लिख सकता हूँ या बता सकता हूँ, दूसरों के बारे में लिखने के लिए उनके दिलों को जानना पड़ता है। हमें सच जानना है आपके बारे में, हमें यकीन आप सही सही बताएंगे। मेरा मुंह मेरी कहानी। शुरुआत हम वहाँ से करते हैं। इंदु से आप पहली बार कब मिले? मेरा जन्म एक 7th स्टैंडर्ड स्कूल की चौखट पर हुआ। हम जानते हैं, वहीं पर आपकी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद दादी माँ आपको यहाँ अपने साथ लाई। गुरुजी के यहाँ संगीत सीखने के लिए भी आपको दादी माँ ने भेजा था। मेरी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ जानते हो, यहाँ तक कि मेरे प्यार के बारे में भी। वो तो है, लेकिन आपके प्यार की शुरुआत कहाँ से हुई? चढ़ती जवानी। सारा संसार मानो झूम रहा था, मानो जैसे सारे शब्द संगीत में हो। मेरी चाहत तो किसी लड़की के प्यार में पागल होने जैसी तो नहीं है। खेल कूद में लड़का हो या लड़की हो, हम सब एक दूसरे का दुख बांटा करते थे और ये दोस्ती गहरी होती गई। और यही दोस्ती एक मिसाल के रूप में कब बदल गई हमें पता ही नहीं चला। श्री हरि या मैं, समझ लो वो रवि है, हा? और मान लो ये इंदु है। आकाश जी, पुराने जमाने की हिंदी फिल्मों में विलेन का नाम सबसे आखिर में दिखाया जाता था, हीरो हीरोइन और बाकी आर्टिस्टों का नाम दिखाने के बाद एंड प्राण। इधर ये समझ लो वो कुट्टू प्राण है, हमेशा साथ साथ दोस्त बन के खेले कूदे और कभी कभी थोड़ा मोटा झगड़ा भी। हाँ
हम तीनों अच्छे दोस्त हैं और हम तीनों को अच्छी लगती थी। लेकिन एक दिन मुझे इस बात का एहसास हुआ, जब भी इंदु मुझे देखती थी उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार झलकता था। उसके दिल में मैंने झांकने की कोशिश की। धीरे धीरे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की मुझसे बेहद प्यार करने लगी थी। वो मेरे सपनों की रानी बन गई थी। शायद हम दोनों की किस्मत में यही लिखा था, दोबारा मेरे कदम उसके घर की तरफ उठे ही नहीं। अपनी किस्मत की कश्ती को बिना दिशा दिए समुद्र में छोड़ाया, देखते हैं किनारा कब मिलता है। तुम लोग अभी बच्चे हो, ना समझ हो, लेकिन मेरी एक बात को तुम सब हमेशा याद रखना, जब भी जिंदगी में फैसला करने का वक्त आए बहुत सोच समझ के करना। ओके, आई एम गेटिंग लेट, सी यू गाइस। हरे राम हरे राम हरे राम। श्री हरि लौट आया है, मुझे उससे एक बार मिलना है। किसी बच्चे को बुलाने मेरा नाम लेकर तो भेजो, उसे जब पता चलेगा मैंने बुलाया है तो वो जरूर आएगा। तुम क्या कहती हो? पता नहीं, आप खाना खा लीजिए, मुझे और भी काम है। बस माँ, तुम आज भी ये मानती हो उस इंसान ने मेरे साथ? नहीं, वो नहीं किया, श्रीहरि ने किया, मुझे नहीं लगता। लोगों के दिल के अंदर क्या है, इतनी अक्ल मुझ में नहीं है। शायद उनका सपना पूरा नहीं हो पाया, इसीलिए उसने ये किया हो। कौन? रमन, हाथी वाला। क्यों यार, इतनी जल्दी खाना खा लिया? बिस्तर पे पड़ा हूँ, दिन हो या रात मेरे लिए सब बराबर। बहुत दिन हुआ तुमसे मिले हुए। मैं बेंगलोर के जंगल में गया था, फिर वहाँ से आसाम। 5 हाथी ले आया हूँ। रुको, आप दोनों से कुछ बात करनी है, थोड़ा जल्दी आना। सुना श्रीहरि आया है, तुमने देखा? सुना है। एक बार मैं उससे मिलना चाहता हूँ, तुम्हें मिले तो उसको खबर देना। क्यों मेरे यार, तुझे अपने पैरों से सांप की तरह कुचलकर तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, फिर उससे आखिर में क्यों मिलना चाहता है? तू अपनी मोहब्बत उसे सौंप सकता है तो उसको तेरे सामने ला सकता हूँ। उसने ही मेरा यह हाल किया है, तुमको पूरा यकीन है? मुझे अकेले को नहीं, पूरे गाँव वालों को और सभी लोगों को इस बात का यकीन है। खैर शेखर, मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ कि इसका भाई शक्ति एक घर और पूरी प्रॉपर्टी मेरे दोस्त के हाथ बेचकर उसका पैसा तो वो पहले ही ले चुका है। यह बात तो आप ज़रूर जानते ही होंगे, उसकी मोहलत भी पूरी हो चुकी है। आप लोगों को मैं ये बात सिर्फ इसीलिए बताने आया हूँ। ये जुल्म भी ढाया उस नालायक ने। मैं आप लोगों को घर से बाहर निकाल के बेघर करने नहीं आया हूँ, बल्कि याद दिलाने आया हूँ। खैर चलो, मैं चलता हूँ। आराम से। अब आज की पार्टी की तैयारी पूरी है। ओ राइडर साहब, मान गए तुम्हें, जल्दी लाओ। लाता हूँ। ज्यादा कोई भी मत पीना, सभी अपने लिमिट में रहना, पीने के बाद करंट चढ़ा तो तकलीफ हो जाएगी। बचपन के दिन याद आए। अब ये सब बताने की जरूरत तो नहीं है। अरे भाई, अब आग लगी है तो धुआं तो उठेगा ही। बड़े भैया आप नहीं लेंगे? नहीं छोटे, आज मुझे माफ करना,
मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ शाहरुख की नई फिल्म देखने। अगर पी लिया तो फिल्म का मजा नहीं आएगा, आज मुझे माफ कर दो। क्या बड़े भैया, हम सबके होते हुए तुम अकेले शाहरुख की ओम शांति ओम देखने जा रहे, इससे तो अच्छा दिलीप कुमार की देवदास देख लेना था। एक बात बता, तूने ये मजाक करना कहाँ से सीखा है? ये बात तो मैंने आप लोगों को बताया नहीं, पेरिस से दिल्ली तक की फ्लाइट में एक आदमी मिला था, इतना बातूनी था कि पेट की जगह सर में दर्द होने लगा। उसके साथ में उसकी एक बहन भी थी। पूरी रात उसकी बहन को मैं हिंदी सिखाने की कोशिश करता रहा और वो मुझे फ्रांस के फैशन के बारे में बताने की कोशिश करती रही। बड़े भाई जरा गौर फरमाइए, आखिर में उसकी बहन ने मुझसे कहा कि तेरे साथ मैं नहीं आ सकती, हमें बिछड़ना होगा क्योंकि मैंने किसी और को टाइम दे रखा है, उसके जरूरी काम है। आज शायद वो मुझे याद करके रो रही होगी। हाँ तो सवाल, दूसरों की जिंदगी में खुशी बांटना अच्छा लगता है? ए छोटे, तुझे याद है ना, तू और गणेश नवरंग टाकेज में घुसे थे टिकट लेने के लिए, तो बड़े भैया ने पकड़ लिया था। हाँ याद आया, बहुत पुरानी बात है ये। 3D बच्चों की फिल्म थी, 10वीं 12वीं, पैसे नहीं थे हम लोगों के पास, तो टिकट छीन करके अंदर घुस गए थे हम लोग। मुझे पकड़ कर ले जाकर गेलो ने बाथरूम में बंद कर दिया था, और बराबर मुझे याद आया अभी बड़े भैया। है छोटे, तुझे कोई काम नहीं है क्या? ये सब पुरानी बातें याद दिला रहा है, वो सब भूल जा। हेलो एक्सक्यूज मी सर, फिर से बचपन लौट आने तो मैं और गणेश फिर से फिल्म देखने जाएंगे और वैसी हरकत करेंगे। हम ऐसा करेंगे, इनको मालूम है। हाँ, बचपन लौटेगा, ये कैसे होगा, तो अपनी जवानी तबाह करने पे तुला है। टेंशन नहीं लेने का भैया, कोई अच्छी सी फिल्म लाओ, पैसे मैं दे दूंगा। रोज लड़की का दर्शन होना चाहिए, चाहे हिंदी फिल्म हो या इंग्लिश फिल्म हो। हमें सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच, शाम की चाय और रात का डिनर सब थिएटर के अंदर ही करेंगे। सुबह से रात होगी, रात से सुबह होगी, बस मजा ही मजा। आपको यकीन नहीं आता? पैसे की बात हो तो मैं एडवांस दे देता हूँ, लेकिन लड़की अच्छी होनी चाहिए। ठीक है ठीक है। हाँ तो अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है, पियो जाने पियो, पियो। तू भी ना, पियो जानी पियो। हरी, तुझे लौटने से पहले क्या क्या चाहिए इसकी लिस्ट बना के दे, उसके हिसाब से हम सब तेरे लिए काम करेंगे। करेक्ट भाई साहब, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। बहुत सारे ऐसे काम है जो मुझे जाने से पहले करना है और बहुत जल्द करना है। एक वक्त तो आज का वक्त है, वर्तमान का मतलब तुम्हारा जो आज गुजर रहा है उसको पूरा करने का वक्त। कल क्या होगा कोई नहीं जानता, कल क्या होने वाला है कोई नहीं जानता, इसलिए वर्तमान जो है हमारी जिंदगी का निशान बिंदु है। जो हम सोचते हैं उसे कल्पना के रूप में अंजाम देना और उसी समय उसका पालन करना, जिसे वक्त कहते हैं, जो संसार के दिन रात को चलाता है, यही वक्त और यही सत्य है। ये मटकी, गुजरा हुआ कल था, आने वाला कल नहीं तोड़ सकता, ये आज अभी इसी वक्त टूटेगा। अब ये भटकी भूतकाल में चली गई, इसका कोई अस्तित्व नहीं रहा। तू एक दिन मिट जाएगा, अगर इस दुनिया में आया है तू, यहाँ शाश्वत नहीं है, चाहे नर हो या नारी, तेरे लिए ये नरक भी है स्वर्ग भी है। तू नाना रूप में यहाँ जन्म लेगा, हर जन्म तू अपने कर्मों के अनुसार पाएगा। हे धरती माँ, तेरे इस संसार का खेल बहुत अद्भुत है। तू अब ये गांव छोड़कर कभी मत जाना भाई, जो सुख यहाँ है वो कहीं भी नहीं है। तुझे किस तरह की मदद चाहिए ये बता मुझे, साहब हो जाएगा गांव में अपने, बहुत आदमी है, बोलना बोलना। अबे! तुम्हारे कहने के मुताबिक जिस काम को मुझे अंजाम देना है उसकी लिस्ट मेरे दिमाग में है। तेरे दुख का कारण इंदु है। तू इंदु के बिना दुखी है, जानता हूँ, कुछ मत कहो यार, सब जानता हूँ, लेकिन मुझे कहीं और से शुरुआत करनी है, गाँव से। तुम्हें किस तरह की मदद चाहिए मुझे बता, अपने गांव लौटा है। हाँ, मेरा भी गांव मेरा अपना है, केपी माँ भवानी, डोंगर हाउस, खंडला हिल, पूना, ये सारी जगह। वो कौन है? हाँ वो मेरी माँ है, एक माँ, शादीशुदा जिंदगी को त्याग कर सब कुछ छोड़ करके एकांत का जीवन गुजारने चली गई थी मेरी माँ। जब मैं दिल्ली अपने पुरखों के घर गया था तो वहां की पुरानी संदूक से अपने पिता की हसीन यादों को जमा कर रहा था। उनकी चिट्ठी, उनकी पुरानी यादें भी मुझे वहां मिली, जिस स्याही वाली कलम से खुद मेरे पिताजी ने अपने हाथों से रचा था। जानते हो, एक कवि थे और उसमें उनकी जिंदगी के साथ साथ उनकी कविताएं भी लिखी है। आप उन्हें दोस्त, यार, रिश्तेदार, सखी, जो भी आपके जी में आप कह सकते हैं उन्हें। जब मेरे पापा उस औरत से शादी करने में नाकाम रहे तो वो घबराए नहीं थे, उन्होंने अपनी यादों को, अपनी तमन्नाओं को उस कागज पर उतारा, जो आज भी उतने ही हसीन दिखते हैं। उनके प्यार की वो खुशबू आज भी उन कागजों में मौजूद है।
इसलिए मैं उस माँ से मिलना चाहता हूँ, मुझे उससे मिलना है। ये वही घर है। अभी वो घर पे होंगी ना? वैसे उन्हें हम बाहर कम ही आते जाते देखते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ पूछोगे तो उसका जवाब मेरे पास है, क्योंकि डैडी का एक दोस्त है जो मैं ऐसे किस्मत वाले लोग बहुत कम होते हैं। आओ चलो देखते हैं। आओ। बैठिए। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग बहुत दूर से आए हैं। बेटा, लगता है मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। मुझे? आपने कहीं नहीं देखा होगा। हो भी सकता है। बैठिए सब लोग। आप सब कहाँ से आए हैं? धारावी से। मम्मी तुम अकेले रहती हो? ओह, एक बच्ची भी है जो यहाँ काम करती है। क्यों, तन्हा जिंदगी? सच कहूँ तो ये मेरी किस्मत है, सब भगवान की तो मर्जी चलती है। आज भी तुम चिट्ठी लिखती हो, श्रीराम की जय हो, ऐसे ही लिख करके शुरुआत करती हो ना? चिट्ठी? किसे मैं चिट्ठी लिखूंगी? अच्छा, चिट्ठी में ये सब लिखती हूँ, तुम्हें कैसे पता चला? गुलाब गंगाधर, उन्होंने मुझसे कहा। श्री हरि हो। हाँ। तुम्हें देखते ही मेरे दिल ने जो कहा वो गलत नहीं था। मुझसे मिलने के लिए आने की ऐसी क्या वजह हो गई बेटा? अब इसमें कारण मैं क्या बताऊं आपको? माँ से मिलने को जी किया, आ गया। किस्मत है। ए छोटे, बोला। बाबा की आखिरी निशानी यही बची है मेरे पास, इसे रख लो माँ, तुम्हारे पास ज्यादा महफूज रहेगी। रुलाने के लिए नहीं माँ, मैं खुशियां बांटने के लिए आया हूं। मैं कुछ दिन और शहर में रहूंगा, आपसे एक विनती है, कुछ दिन मेरे साथ मेरी माँ बनकर रहेंगी? माँ बाप के प्यार से वंचित हो गया था, माँ मिल गई है, तो अब मेरी सारी कमियां दूर हो जाएंगी। माँ मेरे बेटे, तू बुलाए और ये माँ ना कर दे, तुम किसी को कभी भी यहाँ भेज देना, ये माँ जरूर आएगी। क्या है जो? जो जो चाहिए तो कॉल में बैन है, जोकर चाहिए तो उस साइड में बैठा है। ये तो वाकई में जोकर है। पहले नहीं देखा था क्या? ध्यान नहीं दे पाया था। हाँ ये भी ठीक है। बेस्ट जॉनी बेस्ट। रमन आया लगता है। हाँ रमन आ। आखिर का तू लौट के आ ही गया, खेल चालू रखो। तेरे आने के बाद खेलना क्या है, बैठ। खेल को अंजाम देने के लिए कोई तो आएगा, यही सोचकर हम बैठे थे। तुम जैसे बड़े लोगों से तो मिलना पड़ेगा ना। ये तेरी सोच है, लेकिन बड़े लोग कितने ही बड़े हो, पैरों के नीचे कुचलना मेरी आदत है। मैंने गाड़ी भेजी थी तेरे लिए, लेकिन तू नहीं आया,
मैंने तेरे लिए पूरी तैयारी कर रखी थी, तेरे स्वागत के लिए। अभी उसके लिए वक्त है रमन, तुमसे मिलने के लिए खास वक्त निकाल के रखा है मैंने। वैसे सुना है तू ये घर और जायदाद सब कुछ बेच रहा है, क्या ये सही है? मुझे जानना है। हाँ। ये शेट्टी साहब मेरे दोस्त, ये खरीद सकते हैं। मैं शेट्टी, मैं घर जमीन किसी को दूंगा लेकिन कीमत लेके नहीं, दान, बल्कि दान में दूंगा। उसके लिए अभी वक्त है शेट्टी साहब, आपको इंतजार करना होगा। और क्या खास खबर है आपके गांव में? और क्या हो सकता है, बस वो रोज की कहानी है। क्यों बड़े भैया? हमारी तो बहुत बढ़िया गुजर रही है, तेरी कहानी क्या है ये हमें नहीं पता। पुराने केस के बारे में कुछ पता चला क्या? पुराने केस की वजह से तो एक साल जेल काट चुका हूँ मैं, अब उसमें नया क्या रखा है? वो नहीं यार, तेरे प्यार इंदु के बारे में। दूसरे की बीवी के बारे में खोज खबर रखना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता रमन। वैसे वो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, एक वक्त की रोटी के लाले हैं। मैंने सुना है कि उसने किसी यार को पाल रखा है, उसी से उसके घर का खर्च पानी और शौक भी पूरा हो जाता है। रमन हमें हाथ खोलने दो। मेरा आना शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगा, मैं पुराने रिश्ते की वजह से तुमसे मिलने आया। खुद की इज्जत की परवाह जिसे होती है वो दूसरों पे कीचड़ नहीं उछालते, समझ गए तुम? तुम लोगों की बातों से लगता है तुम लोग इज्जत करने के लायक ही नहीं हो, ये तो बड़े ही अफसोस की बात है। भाई पत्ते बांटो, मैं चलता हूँ। इसी में भलाई है। ये इस वक्त यहाँ क्यों आया है नहीं समझे? दो बातें उसे जाननी थी, मैं लौट के जा रहा हूँ या नहीं, और इंदु आज भी मेरे दिल में बसती है या नहीं। वो झूठा शेट्टी क्यों उस बेचारी पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा है? बाहरी रहता होगा उसकी माँ का यार। अरे तूने उसके हर सवाल का सही जवाब दिया, दोबारा वो यहाँ कभी नहीं आएगा। उसकी चौखट पर अब मैं जाऊंगा पुराना हिसाब चुकाने। रंग बरसे रंग बरसे, इंतजार करो कल अमन की खाड़ी में भैंसों की रेस है। खेती बाड़ी के नाम पर भैंसों की मौत का तमाशा देखने वाले, शराब भी पी सकते हैं ताड़ी भी पी सकते हैं, यही इस गेम का सदियों से उसूल रहा है। जब भैंसों को दौड़ा सकते हैं तो पीताम्बर को भी दौड़ा सकते हैं। पीताम्बर को भूल गए क्या मेरे प्यारे दोस्तों? उसकी झूठी गवाही की वजह से मैंने अपनी जिंदगी का एक साल जेल में बिताया है। 6 साल की सजा काटने के बाद अब मेरी बारी आई है। उससे मिलना चाहिए हमें, हम मिलेंगे उससे। तुम पूरा गांव वाले लगते हो श्री हरि। इंसान को जिंदगी में भेष बदलना पड़ता है भाई, ये भेष पीताम्बर के लिए है। मुझे पहचानने में बस कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। किसी से वाद विवाद के समय ये लुंगी बहुत मदद करती है, इसको उतार के फेंक भी सकते हैं और पहन भी सकते हैं। खींच के नंगा भी कर सकते हैं। बेस्ट जानी बेस्ट, बेस्ट जाने बेस्ट। इस उत्सव में हिस्सा लेने वाले किसान ग्रुप में पहला स्थान पाया है पत्थर हवेली पीताम्बर का चौथा जोड़ी भैंस। इनाम प्राप्त करने के लिए श्री पीताम्बर जी स्टेज पर आने की कृपा करें।
इनाम देने के लिए श्री अमन साहिब से मैं निवेदन करता हूँ, स्टेज पर आए। मेरे प्यारे दोस्तों, इस शुभ अवसर पर आज के इस गेम में जीतने वाले भैंसे पीताम्बर को हम मराठा स्पोर्ट्स क्लब आर्ट्स की तरफ से विशेष इनाम देने के लिए हम श्रीमान श्री हरि को स्टेज पर आमंत्रित करते हैं। प्यारे भाइयों, कला के कद्रदानों और कला प्रेमियों, मेरा प्यारा दोस्त पत्थर हवेली में सर पीताम्बर को यह इनाम दिया गया है इस महान अवसर पर, बहुत कीमती अवसर पर। इस इनाम के लिए इस कमेटी के मालिक को धन्यवाद अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। आज से 6 साल पहले पत्थर हवेली पीताम्बर ने मुझे बहुत बड़ा इनाम दिया था। वो इनाम लिए मैं आज भी घूम रहा हूँ। मुझे हर पल याद आती है पीताम्बर की ट्रॉफी। वो तोहफा उसको लौटाने के लिए वक्त का इंतजार कर रहा था, जो आज आ गया। अबे ओ पीताम्बर, ये ले तेरी रोटेटिंग ट्रॉफी। मार उसको, छोड़ना नहीं, और मार। इसको भूला नहीं ना शेखर, तू और तेरी बीवी साथ में पूरे गांव वाले इसकी बातों को सच मान लिया कि मैंने तुम्हारी जान लेने के लिए इसको भेजा था। जब पुराने दोस्त दोबारा मिलते हैं तो ये किराए का टट्टू साथ में होना चाहिए, ऐसे मेरी सोच है। ये किसका मोहरा बना था ये खुद अपने मुंह से बताएगा।
तुझे इस हालत में किसने पहुंचाया और मेरी लाइफ क्राइम में किसने पहुंचाया ये अपने मुंह से खुद बताएगा। बता। जो पैसा तूने लिया था वो पैसे का तू काम अब तक कर चुका है, अपनी जान बचाने से सच्चाई बताएगा। बता। रमन, रमन ने कहा था उसको मारने के लिए और मारने के बाद इल्जाम श्री हरि पर लगाने के लिए। मैं बहुत प्यार करता था इससे, ये बात सबसे ज्यादा तू जानता है, लेकिन तूने दोस्ती के मुंह पे कालिक पोत दी या दोस्ती का नाजायज फायदा उठाया पता नहीं। तू इसके साथ शादी कर रहा है पता चलते ही मुझे गुस्सा नहीं शौक लगा था। जिस लड़की से मैं प्यार करता था उसे पाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, चिड़िया के बच्चे की तरह उठा के ले जा सकता था मैं। दुल्हन बनी हुई इसको एक नजर देखकर अपने टूटे दिल से इसकी खुशहाल जिंदगी की दुआ देने आया था मैं। दूर खड़ा था लेकिन इस शैतान के हाथ तेरी जिंदगी बचाने आया था, तो सारा इल्जाम तुम लोगों ने मेरे ही सर पे मर दिया था। इतना कमीनापन दिखाने वालों के साथ तुम दोनों भी मिल जाओगे यकीन नहीं होता मुझे, मैं सोच भी नहीं सकता था। श्रीहरि जिंदगी में रोया है, किसी को रुलाया नहीं है। गणेश ले जाके इसको जिंदा गाड़ दो, चलो भाई। क्यों गणेश सेठ, रास्ता रोक के खड़े हो, गाड़ी हटाओ। तुम लोगों को गैस्ट्रिक की बीमारी ना हो तो थोड़ा सब्र करो। तुम लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते सेठ लोग, तुम लोगों के लिए हम ही काफी है मिस्टर सेठ जी। रमन आओ आओ। ये नदी का किनारा याद है मिस्टर रमन, हम पहली बार यहीं मिले थे और लड़े भी तो इसी जगह पर थे। कोई अजनबी इस रास्ते से आ गया था इसलिए हम लोग उस रोज अपने अपने रास्ते चले गए थे, नहीं तो दोनों में से एक की मौत निश्चित थी उस दिन। आज सोचता हूं तो चेहरे पे हंसी की लहर दौड़ जाती है, लड़कपन की उम्र में गुजरे हुए खुशियों के पल थे वो। उस इंदुलेखा के लिए हम दोनों इसी जगह पर लड़ पड़े थे। इंदुलेखा, वो लड़कपन के नासमझी के खेल की कहानी है। मैं और तू अब समझदार हो चुके हैं ना, वक्त के साथ साथ गुजरा हुआ कल भी भूल जाना चाहिए। पीतांबर के पीछे तेरा हाथ था ये जानते हुए मैंने तुझे कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता था पीतांबर उन दोनों के सामने अपनी सच्चाई कबूल कर ले। तेरी मेंढकी तुझे भी नहीं मिल पाई। बच्चे हाथी खरीद सकते हैं, घोड़ा खरीद सकते हैं, अच्छे से अच्छा शीश महल खरीद सकते हैं, बस हाथ में पैसा होना जरूरी है, लेकिन एक लड़की के दिल को नहीं खरीद सकते। तू ये ख्वाब देखना छोड़ दे रमन। पीतांबर के जरिए मैंने ये काम करवाया, इसका कोई सबूत नहीं है तेरे पास कि पैसा उसे मैंने दिया था। सबूत किस लिए? मैं कोर्ट में तेरे खिलाफ केस दायर करूं, सच्चाई साबित करके तुझे सजा दिलाऊं, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं। वो दोनों ये सच्चाई जान चुके हैं कि शेखर पे हमला किन लोगों ने करवाया था, दोस्ती के नाम पे पीठ में छुरा किन लोगों ने घोपा था। तूने ऐसा किया कि मुझे एक साल तक के जेल में चक्की पीसनी पड़ी थी। पता है किस्मत में लिखा था, भुगतना था भुगत लिया। अब लाख कोशिश करने के बाद भी मेरी जिंदगी का वो एक साल जो बर्बाद हो गया है कभी लौट के नहीं आएगा। तुझे मैं एक बार फिर समझाता हूं, इस तरह का गलत खेल दोबारा मत खेलना। एक सफर के वक्त की दुर्घटना की तरह मैं अपनी उस घटना को भूल जाना चाहता हूं, तो दोबारा मेरी तरफ नहीं देखना, न मुड़ करके आवाज देना। एक शराफत की जिंदगी जीने वाले इंसान के साथ में जंग लड़ने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। रमन तू अपनी जिंदगी में हरि से कभी नहीं जीत सकता, कभी भी नहीं, ये याद रखना। श्री हरि, तो इसका मतलब इंदु का तू रखवाला बन गया? रखवाला? जी हाँ रखवाला, श्री हरि का आज से यही फर्ज है।
एक इधर है तुम्हारा से ऊपर है वो। बोलो अब दिन में भी पीना शुरू कर दिया? वो क्या है ना, आज मेरा दिमाग कुछ सही नहीं है। करण भाई बैठो। यही है तुम्हारी तकलीफ और तुम्हारे अंदर की वो दुश्मनी। इसका मतलब तुम्हारी कहानी का विलन श्रीहरि अभी भी यहाँ मौजूद है? हाँ सुना तो है, लेकिन उसका इस वक्त यहाँ आना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वकील साहब थोड़ा चलेगा? नहीं अभी नहीं लूंगा, ऑफिस जाना है। उस बेवकूफ पीताम्बर ने क्या नीच काम किया, जेल से निकल के दूसरे दिन ही भैंसों के दौड़ में चला गया, ये तुम्हें मालूम नहीं क्या? हाँ उस गधे से कहा मैंने कुछ दिन कहीं छुप जा, माने तब ना खेत में पटक पटक के मारा उसको। तुमसे क्या कहा वो श्रीहरि, हाँ धमकाया क्या? हाँ तो एक वार्निंग दिया है, दोबारा उस हिंदू की तरफ मत जाना। इसका मतलब उसको तेरे बारे में पता चल चुका है। वकील साहब का क्या कहना है, इंदू को और शेखर को वहाँ से हटाना पड़ेगा? हटाने का मतलब उसको शेट्टी के हवाले कर दो, फिर उसको बाद में देखना। उसके बाद उनका रखवाला तुझे बनना होगा, क्योंकि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। फिर तुम उसे अपने किसी बंगलों में रहने देना, समझे? पीताम्बर की बात सुनने के बाद वो मेरी बात मानेंगे क्या? विश्वास दिलाना ही तो तेरा काम है। पीताम्बर को मार मार के गलत बात उगलवाया, ये तुझे करना पड़ेगा। जरूरत पड़े तो पीताम्बर से झूठ को सच और सच को झूठ बुलवा दो। पता नहीं क्यों मैं उसको भुला नहीं पा रहा हूँ, उसी के प्यार ने मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया। हर रोज ये दर्द बढ़ता ही जा रहा है। मैंने तुम्हें समझाया था प्यार के लफड़े में मत पड़, एक और खेल खेल ले, वो भी उसको नहीं बुला सकता, शायद इसीलिए वो लौट के यहाँ आया हो। ऐसी क्या बात है उस लड़की में जो तू हद पार कर गया? राजा महाराजाओं में भी बड़े बड़े युद्ध हुए नर्तकियों के लिए, लेकिन तेरे इस काम को पागलपन के सिवा और क्या कहूँ। हाथी की कोई अच्छी पार्टी मिले तो लेकर आना, मैं सारा रुपये लुटा दूंगा, क्योंकि मुझे श्री हरि को खत्म करना है। वो तो आखिरी दांव है। रमन तू उन दोनों को अपनी कस्टडी में लेने की कोशिश कर। चलो वकील साहब चलता हूँ। इंदु तुम्हारी आदतें नहीं बदली, अब भी पहले की तरह मंदिर में पूजा करने आती हो। भगवान के सिवा और कहाँ जाओ? भगवान है ये तो सच है, ये तो किस्मत की बात है। तुम नहीं चलोगे? नहीं, उससे मिल लिया जिसका इंतजार था मुझे। यहाँ कब तक रुकोगे? ये तो मैं भी नहीं जानता, पर कुछ दिन हूँ। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना, बुरा मत मानना, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। मैं जो मदद करना चाहता हूँ वो पैसे या धन दौलत की बात नहीं है। अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगती है तो तुम इसे बेझिझक इनकार कर सकती हो। तुमसे कहूँ या फिर तुम्हारे पति से कहूँ सोच रहा था, शायद वो मेरी बात समझ पाए या ना समझ पाए ये सोच रहा हूँ। मैं जानती हूँ मैं आपकी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। आपने हमें माफ कर दिया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे दिल पे भी बहुत बड़ा बोझ था जो कम हो गया, आपने सारा सच सामने लाया। मैं तुम पर किसी तरह का दबाव नहीं डालूंगा, तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की तकलीफ हो तो इस नाचीज को याद कर लेना तुम। उधर है साहब। हम्म,
अंदर किसी से कोई लफड़ा उफड़ा तो नहीं हुआ था? नहीं। तुम कौन हो? मैं इसका साला हूँ। इनकी बीवी कहाँ है? पिछले कुछ दिनों में इनकी किसी से कोई तू-तू मैं-मैं तो नहीं हुई थी? नहीं। डर मत, जो देखा है बता दे। साहब जी, हाथी का जंगल वाला रमन को यहाँ आते हुए देखा था। किसने देखा? तुमने देखा? जी हाँ। सामने आओ। रमन को तुमने देखा था क्या? सिर्फ गाड़ी देखी थी। वो रमन की ही गाड़ी थी, कैसे पता? मैं उनके यहाँ काम करती थी साहब। वाकई में तुमने रमन को ही देखा था? उन्हीं की गाड़ी थी, उसमें रमन जैसा ही एक आदमी। जैसा? दावे के साथ नहीं कह सकती क्योंकि तुमने नहीं देखा था। मुझे रमन जैसा ही लगा। ए, कान खोल कर सुन ले, बिना सच्चाई जाने कुछ भी कहेगी तो कोर्ट के चक्कर में तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, समझ गई? शक के आधार पर कुछ भी मत कहना, तुझे अहम गवाह बनाकर पेश कर दूं क्या? नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो फिर चुपचाप यहाँ से निकल जा। ठीक है। चल जा। क्या है ये साहब, एक अच्छे गवाह को आप डरा धमका के भगा रहे हैं? उससे तो आपको अच्छी तरह से पेश आना चाहिए था ना। ए, कौन है तू? इनका नाम क्या है? कुरियन। मेरा नाम जानने से आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है? मैं दरवाजा बंद करके बैठने वालों में से या भागने वालों में से नहीं हूँ कुरियन साहब। मैं कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं हूँ, ना ही देश मेरी वजह से चल रहा है। मैं तो एक बेनाम आदमी हूँ साहब, समझे आप? मैं समझ रहा था तू कोई नया DCP है। मुझे सिखाना मत, किससे क्या पूछना मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। साहब क्या कर सकते हैं क्या जानते हैं, समझ गया। आप कभी गलत कर ही नहीं सकते। आप क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, ये सब अच्छी तरह जानता हूँ मैं। तुम्हें कहाँ पर किस सवाल का जवाब किस तरह से देना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं आपको वहीं मिलूंगा, चलो सब लोग। हाँ जाओ, मुझे फांसी पर चढ़ाने के लिए मौत का फरमान लेके मिलना। वो करूंगा, केस की सारी तहकीकात करके फाइल सबमिट करने के लिए मत बोलना मुझे, समझे? गुनहगार का साथ दिया तो सच्चाई गुलवा लूंगा, चाहे अपनी कब्र में क्यों न छुपे रहो। मेरी बात याद रखना। हमारे खिलाफ साजिश रचने के पीछे किसका हाथ है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है ऐसे ही कोई है। ऐसे ही नहीं, ये CM के ऑफिस तक पहुंच रखने वाला शख्स ही कर सकता है। ऐसा कौन हो सकता है ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। हाँ करण, ठीक है मैं उधर ही आ रहा हूँ। हाँ चलो रमन। हाँ तो तू वहाँ फैक्ट्री में ही मिलेगा ना? नहीं तो मेरे सबसे गेस्ट हाउस में, तुम कहीं भी हो मैं बुला लूंगा। हाँ श्री हरि। अब वो फन उठा रहा है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, वो सब मैं संभाल लूंगा। उसका ऑफिस आने का मतलब आगे चलकर कुछ करने का इरादा लगता है उसका। चलिए वकील साहब। रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या है? मुझे नहीं पहचाना। CBI? CBI का मतलब सिर्फ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होता, और भी है, सेंट्रल बोर्ड नीटी, ऐसा भी है। तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? इस केस की इन्वेस्टिगेशन में तुमने कह दिया कि सारे गांव वालों को पुलिस कन्विंस नहीं कर सकती, मगर तुम्हें मुझे कन्विंस करना पड़ेगा। शेखर का मर्डर करने वाले को तुमने और SP ने मिलकर के बड़ी ही चतुराई से बड़ी आसानी से बचा लिया। तुम्हारी बात दुनिया मान लेगी लेकिन मैं नहीं। सच क्या है ये तुम मुझे बताओगे? बताओगे और जरूर बताओगे। तुम अपनी हीरोगिरी अपने पास रखो। ये वकील, ये केस तुझे लड़ने किसी ने नहीं कहा, बीच में टांग मत अड़ा नहीं तो बत्ती से निकाल के मुंह पे चिपका दूंगा। बताओ करण। क्या बताऊं मैं, मुझे कुछ नहीं पता। देखो तुम बेकार का लफड़ा मुझसे मत करो, तुम्हें जो भी जानना है रमन से पूछो, अच्छा रहेगा। तू इस केस में कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़ कर सफाई दे रहा था ना, इसलिए अब तू ही बताएगा। अब जल्दी से बता दे, रमन को जो बताना है वो तो बताएगा मगर तू अभी बता।
एक हरी मुझ पे हाथ मत छोड़ना, मैं एक हार्ट पेशेंट हूँ, मेरा बाईपास सर्जरी होने वाला है। तो बता जलील आदमी, नहीं तो रमन की खातिर तू भी बेमौत मारा जाएगा। ये वादा तूने रमन से किया है ना? नहीं, मैं क्यों उसके लिए अपनी जान दूंगा? वो तो मुसीबत में फंस गया था, इसलिए मैंने उसके लिए जो बन पड़ा वो किया। अपनी जान बचाने का तरीका बता। एक आदमी की जान लेना तो पाप है ही, मगर होनी की मदद करना उससे भी बड़ा पाप है, समझा? नहीं, वैसा कुछ भी नहीं हुआ, वो एक हादसा है। अब मैं क्या करूं शेखर, शेट्टी ने मेरा जीना हराम कर रखा है। ये घर तुम्हें अभी खाली करना पड़ेगा। एक पार्टी कैश लेकर मेरे पीछे पीछे घूम रही है, जब इसका सौदा होगा तभी मेरी जान छूटेगी। यहाँ से निकलकर कहाँ जाना इसके बारे में सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। मेरा जो रूम किराए पर है वो खाली करा दूंगा, तुम लोग उधर ही रह लेना। बेचारा बिना पैर का आदमी उठ के चल भी नहीं सकता, कैसा हाल बना दिया है ना शेट्टी। मुझे इस हालत में पहुँचाने वाला कौन है ये मैं अच्छी तरह जान चुका हूँ, समझा तू? क्या श्री हरि ने पीताम्बर को पीटकर झूठी गवाही दिलवाई और तुमने उसकी बात को मान लिया? तुम और इंदु उसकी बातों को नहीं मानोगे। श्री हरि को मैं यहाँ लाऊंगा और सच क्या है मैं ये उससे उगलवाऊंगा। वो तो मैं पहले से जानता था, तेरा खून ही खराब है, मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। तूने मेरी जिंदगी खराब की, श्री हरि को बदनाम किया, नीच कहीं के। मुझे नीच बोलता है तेरी तो। पिछली बार तू बच गया था, वरना तेरी मौत और उसके जेल जाने के बाद मैं कब का हिंदू को अपना लेता। अब भी उसको भूला नहीं हूं, मैं उसको अपना बना के रहूंगा। उसको पाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। अब तो मुझे जाने दो, तुम्हें जो जानना था जान लिया, दोबारा मेरे सामने मत आना। अच्छा ठीक है, आए तो जान से जाओगे। अगर तुमने दोबारा रमन से भी मिलने की कोशिश की तो भी मार डालूंगा, समझ गए ना? इसने उसे नहीं मारा ये बात तो पूरा गांव जानता है। इतना बड़ा ऑफर रमन दिया था जानती हो तुम? ये बात उसे पता नहीं है, रमन के कहने पर वासु ने किया था ये बात तो वो जानती है, शायद तुम्हारा कहना मान ले। शांता दी आप कहेंगी तो मानेगी ना? हाँ, मरने वाले की बहन लगती है। उसके भाई का जो खून हुआ है उस बारे में उसे बहुत अफसोस है। वो अंदर है ना? हाँ, उसे मैं क्या समझाओ ये मुझे बताओ। शेखर के खूनी को पकड़वाना है, रमन की बीवी को ये बात खुलकर पुलिस वाले को बतानी चाहिए। 10 लाख रुपया, वो जेल से छूटकर आएगा तो उसके हाथ में इतना रुपया रहेगा, 10 लाख रुपया लेकर वो कहीं भी अपनी जिंदगी गुजार सकती है। ये बात अगर सच है तो जेल में जाकर मैं अपने पति को सच कहने के लिए मना लूंगी। रमन का साथ उसे छोड़ने के लिए कहो, उसके कहने पर वो चला तो उसकी पूरी जिंदगी जेल में ही कट जाएगी, फिर तुम्हारा क्या होगा सोचो। बेटा 10 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती, कहीं पर भी जाकर एक छोटा सा घर लेकर तुम मियां बीवी आराम से रह सकते हो। मैं समझ रही हूँ शांता दीदी, मुझे एक बार मिलके बात तो करने दो, मैं अपने पति को किसी भी तरह मना लूंगी। काम होने के बाद पैसा तेरे हाथ में दे देंगे, उसके बाद तुम्हारी मर्जी। आप लोग जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगी। अगर वो नहीं माना तो? वो कोई राजमहल में रहने वाला राजा नहीं है, इसी गाँव का रहने वाला है, नहीं माना तो कैसे मनाना है अच्छी तरह जानता हूँ मैं ये बात। उसकी बीवी ने वादा किया है वो जरूर मना लेगी। तुम लोग जेल के बाहर क्यों खड़े हो? जेल के अंदर जाने की बात तो हम सोच रहे हैं, तुम भी चलोगे क्या? क्या हुआ, मान गया? हाँ। वो मान गया है, कल कोर्ट में वो सारी सच्चाई बताने को तैयार है। बेस्ट जॉनी बेस्ट। ये क्या जल्दी हटा। नमस्कार। हाँ नमस्कार। रमन साहब हैं क्या अंदर? नहीं आप अंदर बैठिए। कहाँ होंगे वो? पता नहीं क्यों, क्या बात है? मेरे सास की दूसरी बेटी जो मेरी साली है उससे उसकी शादी करनी। ड्राइवर की औलाद, ये शिवाजी मराठा है। क्या है, क्या बात है? ये उसकी माँ है क्या? जी साहब। आपका लड़का एक खून करके घूम रहा है, उसके एक आदमी ने सच छुपाने के लिए इल्जाम अपने सर के ऊपर ले लिया था, लेकिन जब 4 लाफे पड़े तो उसने सच्चाई उगल दी। वो आया तो उसे चौकी भेज देना, मैं दोबारा आया तो उसे घसीट कर ले जाऊंगा। चलता हूँ।
ये लड़का कैसा शैतानी हरकतें करता जा रहा है भगवान। बड़े साहब ने कहा है उनको मामा के यहाँ भेज दो, वहीं रहेगा, यहाँ मत आने दो। ऊपर वाले ने बस हमें एक ही औलाद दी और वो भी नालायक निकल गई। ये सब की जिम्मेदार वो नीच औरत है। उसके साथ अगर तुर्रम खान है तो मैं भी उसका बाप हूँ, उसका सारा खेल बिगाड़ दूंगा। श्री हरि महोदय, श्री हरि महोदय। कहिए, मैं सुन रहा हूँ। ये जोसेफ भाई है ना, ये जो बैठा है जोसेफ भाई, इसकी मैं सारी बातें मानता हूँ। ये हमारे बहुत पुराने दोस्तों में से है। कुरियन को यहाँ से ट्रांसफर करवा कर मेरी पोस्टिंग करवाने वाला यही है। मेरा दोस्त बहुत बड़ा खिलाड़ी है, इनकी दोस्ती की खातिर, श्री हरि तुम्हारी खातिर मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। सुनो, रमन को सजा मिलनी चाहिए, हम यही चाहते हैं बस। अगर वो कानून से बच गया तो मैं अपनी आधी मूछ उड़ाकर अपनी वर्दी उतार के गांव चला जाऊंगा। फिकर मत करो साहब, मेरा नाम है सुरजन। श्री हरि, अगर तेरी जगह मैं होता तो अभी तक उसे शमशान पहुंचा चुका होता। उसने जो गुनाह किया है उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए, इससे ज्यादा खींचने का मेरा तो कोई हक ही नहीं बनता। जैसे बच्चे गिरगिट को फंदे में फंसाते हैं वैसे ही जीप में घसीट कर ले जाऊंगा उसे। ए, तो सर जी हम चले, कल मिलते हैं हम लोग। अरे यार, मुझे लगता है ज्यादा चढ़ गई है क्या। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा दोस्तों, गुड नाइट। गुड नाइट। ये जुबान का बहुत पक्का है, उठाएगा मतलब उठाएगा। नहीं, अगर अपना फर्ज निभाते हैं तो हम भी उनका साथ देंगे, क्यों? जरा जोर जोर सांस लीजिए। एक बार और। हाँ चाचा जी, शहर में हमारा खुद का बहुत बड़ा अस्पताल है, हम आपको वहां शिफ्ट कर देंगे, क्या कहते हैं आप? हाँ। मेरी बच्ची को अगर तकलीफ ना हो तो मुझे जाने में कोई एतराज नहीं। बच्ची तो और खुश हो जाएगी, आप शहर जाएंगे, तंदुरुस्त होकर आएंगे। श्री हरि, इन्हें वहां ले जाना अच्छा रहेगा। लेकिन ये बात उसे बतानी होगी। बिल्कुल, उसकी इजाजत ले लेंगे। यहाँ से बड़े अस्पताल में ले जाने के लिए कह रहे हैं, इस बुढ़ापे में मैं आप लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया। कैसी बातें कर रहे हैं चाचा, बीमार हैं तो इलाज तो कराना पड़ेगा, वहां पर भी आपको अपने घर जैसा सब कुछ मिलेगा। मैं और मेरी पत्नी इनका ध्यान रखेंगे, इनके साथ में किसी को आने की जरूरत नहीं है, बेकार में तकलीफ होगी, जरूरत पड़ी तो बुला लेंगे। मेरे पास रहने के लिए मेरी बच्ची है। वहां किसी की जरूरत नहीं है, ये वहां का नियम है, आप इन्हें पूरी तरह हमारे जिम्मे छोड़ सकते हैं, ठीक से इलाज करके पूरा तंदुरुस्त करके इन्हें यहाँ छोड़ जाएंगे, कैसा रहा? वो तो ठीक है, लेकिन मुझे श्रीहरि से अकेले में कुछ बात करनी है। ठीक है, हम लोग बाहर चले जाते हैं। लो, शेखर ने मरने से पहले श्रीहरि तुम्हारे लिए एक चिट्ठी लिखा था, पढ़ लो। पढ़ लूंगा। मैं यहाँ से दूसरे हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तुम अपने घर इंदु को रखकर उसका ख्याल रख सकते हो, वो तुम्हारे यहाँ सुरक्षित रहेगी, लेकिन वो ये बात मानेगी नहीं, पर मैं कहूँगा तो वो मान जाएगी। लेकिन तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? इंदु अगर मान गई तो? नहीं तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं पड़ा पड़ा मर जाऊंगा। हमें इंदु से बात करनी पड़ेगी। बेटे, वो रमन मेरी बेटी को कहीं भी चैन से जीने नहीं देगा, और तुम्हारे पास रहेगी तो मैं मर भी गया तो भी कोई अफसोस नहीं होगा। ऐसा ही होगा प्यारे दोस्त श्रीहरि, तुम्हारा प्यारा दोस्त शेखर तुम उससे नाराज हो इसलिए मिलना नहीं चाहते। एक गरीब लड़की पे जो अत्याचार हुआ, दो प्यार करने वालों के बीच आकर गलती की मैंने, उसी की सजा भुगत रहा हूँ। बरसों से मौत के सिवा ये बेजान शरीर अब और किसी काम का नहीं, लेकिन इंदु को बचाया जा सकता है अगर तुम चाहो तो। वो तन मन धन से आज भी पवित्र है, मैं ये चाहता हूँ तुम उसे अपना लो। सच्चे दिल से मैं उसे तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। Thank you.
आओ। वेलकम होम टीचर। जन्म का रोना खत्म नहीं हुआ? अब तो हंस भी दो। ये सही है या गलत है भाभी, ये मैं नहीं जानती। मैं यहाँ किस अधिकार से रहने आई हूँ? इतने बरस आंसू बहाया है और आज अगर तुझे खुशी मिल रही है तो ये ऊपर वाले की मर्जी है। आज तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? हैं? मेरा चेहरा कब खुशियों से खिला हुआ था? तूने जिससे प्यार किया था वो आज भी तेरा प्यार है, आज वो अकेली हो गई और तेरी चौखट पर बैठी है। चाहा, प्यार किया और ना जाने कितने सपने देखे थे। वो दिन आज के जैसा तो नहीं था ना बड़े भैया, सब कुछ बदल गया है। वक्त ने सब कुछ उलट फेर करके रख दिया है, ऐसा ना होता तो मेरा चेहरा खिला होता। अंदर इंसान रोशनी को ढूंढता है और रेगिस्तान में बरसात को सोने की खान नहीं। वो पूनम की रात आज भी मुझे याद है और आज भी एक इत्तेफाक से पूनम की ही रात है, श्री हरि को लौट कर जाना है। ये चांदनी रात और जिंदगी के सपनों को छोड़कर, ये झरने, ये लहराती हवाएं और टिमटिमाते जलते हुए दिए और ये बहता पानी और महकती इस मिट्टी की बेहद सौंधी खुशबू और मेरे चाहने वाले सारे दोस्तों को और अपनों को छोड़ करके मुझे जाना होगा। कहाँ जाना होगा? क्यों याद नहीं, भूल गए क्या जिंदगी के सफर को, जिसकी गोद में मैंने सर रख के एक एक बात कही थी। आज भी मुझे याद है सारी बातें, उसका हिसाब तो मुझे देना होगा। जिस मिट्टी से पैदा होते उसी मिट्टी में तो जाके मिलना है ना बड़े भाई। मरना है तुझे, बड़ा मरने चला, तू हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, तू यहीं रहेगा हमारे साथ, समझा? नाटक बंद कर, चेहरे पे हंसी ला। इंदु के दिल में दर्द का जो गुबार है उसे तुझे ही निकालना है, चल। वो भी बेचारी। बेटा, मैंने पता लगाया, वहाँ सिर्फ बच्चे ही रहते हैं। भाभी, मैं नहीं चाहती। तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ आराम से रहो, रात का खाना राइटर लेकर आ जाएगा। ठीक है बेटा, मैं कल फिर आऊंगी, चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। ओके। अच्छा ये बताइए भाभी, आज खाने में क्या बनाया है? मेरे बच्चे रहने दो, बीवी जो भी बनाए पेट भर के होना चाहिए। बड़े भैया चलो मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत देर हो रही है। बड़े भैया का जाना जरूरी है क्या? मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। अरे तुम जवानों को तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, हम बूढ़े ही चले जाएंगे। इस उम्र में अपना नाम बदनाम मत करो भाभी। अरे हम अपने उम्र वालों के साथ बदनाम होते तो हो जाने दो। ये बात तुमने सही कही। ये क्या प्रोग्राम चल रहा है, ये सब जाने के लिए बैठे हैं। अरे जोशी तुम तो रुको, अरे मुझे ट्यूशन जाना है, मैं कल फिर आऊंगा। तो फिर तुम रुक जाओ, ये तो मेरे साथ जा रहे हैं, फिर तो राइडर को रखना चाहिए। तो छोटे भैया के घर से खाना कौन लाएगा? क्यों तुम्हें डर लग रहा है क्या? इंदु है ना इधर, तो साथ में मैं भी चलता हूं। वो अकेली हो जाएगी। चलो बड़े भैया हम कल मिलते हैं। हां हां ठीक है। तुम दोनों आपस में कुछ बात करो, बड़ी मुद्दत के बाद मिले हो दोनों। शांति आई।
डॉक्टर रेड्डी को फोन किया था, उन्होंने बताया दादाजी की तबीयत ठीक है। तुम चाहो तो कल मिलने जा सकते हैं हम लोग। हाँ ठीक है। कल से तुम्हें तकलीफ नहीं होगी, एक औरत के रहने का इंतजाम कर दिया है मैंने, रात में तुम्हारे साथ रहेगी वो। तुम्हें शायद याद है कि नहीं पता नहीं, दादी जी ने तुम्हें बचपन में ही यहाँ रोक कर एक बार गाना गवाया था, शायद तुम्हें याद नहीं। तू ही जिंदगी है, तू ही प्यार है, उस समय हम तीनों बैठकर तुम्हारा गाना सुन रहे थे, तभी तुम्हारी मम्मी दरवाजे पे खड़े होकर तुम्हें जोर जोर से पुकारने लगी, और तुम्हारे उनके पास जाते ही तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारी धुलाई शुरू कर दी। और तुम रोते हुए बाहर गई थी, मैं अपनी दादी की गोद में सरक के रोने लगा था, सबका जिम्मेदार मैं था। ऐसी छोटी छोटी बातें तुम्हें आज तक याद है? हाँ। मेरा एक नाम भी रखा गया, शायद तुम भूल गए, वो नाम था मेंढकी। I'm sorry। इंदु को वो नाम अच्छा नहीं लगता था, जहां तक मेरा सवाल है। मेंढकी कह के बुलाना मुझे अच्छा लगता था, वो मजाकिया नाम था और वही नाम पड़ गया। हाँ, तो आज भी तुम्हें वो नाम बुरा लगता है? वही, अब कौन इस नाम से मुझे बुलाता है? बरसों बाद ये नाम सुन के मुझे हंसी आती है। बचपन में ये नाम सुनने के बाद मैं सबसे लड़ा करती थी। जी हाँ, कोई पागल ही होगा जो आज भी उस नजर के लिए नजरें बिछाए इंतजार कर रहा होगा। मजाक मत करो, जो कुछ तुम्हारे दिल में है सब कह दो। मामा! क्या हुआ, डर गई? लगता है तूफान आने वाला है। आने वाला नहीं, आ चुका है। आया आया आया। सुनो, तुम बाहर मत जाना, बिजली जोरों से कड़क रही है। तूफानी बारिश का मैं भी इंतजार कर रहा था। आज मिट्टी की सौंधी खुशबू आ रही है, तुम्हें नहीं आ रही क्या? बीमार पड़ जाओगे, अंदर आ जाओ। ये कैसा बचपना कर रहे हो तुम, जो कह रही हो मानो। श्री श्री, बरसों बाद आज तुमने मुझे इस नाम से पुकारा है, ऐसी ही बारिश में तूफान से बचने के लिए। हाथों में छाता पकड़े दो बच्चे भीगते हुए आते थे, तुम्हें याद है? बचपन में ऐसी कई कहानियां हमारे साथ हुई। वही पागल पर फिर से दोहराने के लिए लौट आया हूँ मैं यहाँ। तालाब के पत्तों पर जो बारिश की बूंदें रुकती थी, उन्हें तुम समेटते थे। वो सुहाना दिन तुम आज भी नहीं भूली, या फिर जो तुम भूल गई थी वो आज भी तुम्हें अचानक याद आ रहा है? कमल के पत्तों पर आज भी पानी ठहरता है, देखो। ये एक और रात इंदु के साथ गुजारने मिली मुझे आज। इसी तरह यहाँ बैठकर मैं सोचा करता था ये दिन मेरी जिंदगी में कभी आएगा कि नहीं। जिंदगी में ऐसा दौर कभी कभी आता है, विदेशों में अक्सर ऐसी बर्फबारी होती है, दिल में अजीब सा होता है, कुछ समझ में नहीं आता क्या करें, एक अजीब सा दर्द होता है और आंखें भी भर आती है मेरी, और मैंने ये सब बहुत करीब से महसूस किया है। लौटना नहीं चाहते थे या फिर कोई तुम्हें आने से रोक रहा था? मैं एक गांव वाली होने के नाते तुमसे ये पूछ रही हूँ। मुझे वहां रोक रखा था मेरे संगीत ने, स्कूल के नाटक ने, कैफे ने और बियर बार ने, ऐसे कई इलाकों में मैंने अपना प्रोग्राम शुरू किया जहां वहां के पेपरों में अक्सर आता रहता था। संगीत के जरिए मैंने अपना पेट पालना सीख लिया था, वेस्टर्न वायलिन और मेटल फ्लूट और पैरों में जूते, एक अजीब तरीके से रहता था मैं, यूरोप के शहर शहर गांव में घूमा करता था मैं रोज। श्रैक का मतलब साहेबा और श्री हरी, इन दोनों नामों को शॉर्टकट में मिलाकर उन लोगों ने मुझे एक नया नाम दे दिया था। तुम्हारी जिंदगी में कोई आई नहीं क्या, और तुम्हें भी इसका एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारी जिंदगी में भी कोई साथी हो? नई जगह जब मैं गया वहाँ एक से बढ़कर एक दोस्त मिले थे मुझे,
लेकिन मैं अपने बचपन के गांव के दोस्तों को कभी भुला नहीं पाया था। जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, दुख में कैसे जीनी चाहिए, ये सब मुझे सिखाया है तो यूरोपियन लोगों ने ही मुझे सिखाया है सब कुछ। किस तरह जीना चाहिए ये सिखाया है, और ये बात सही भी और हकीकत भी है। आज अभी देखो ना, एक हम लोगों को जो गुजरे हुए कल को याद करके हम सब अपने आप को गुनहगार समझते हैं, आपस में लड़ते हैं, जिंदगी निकल जाती है, मौत हमारा इंतज़ार कर रही है, बीमारी बनकर, हादसा बनकर, या ना कोई बहाना लेकर। तो फिर क्यों करते हैं हम दुश्मनी, मारामारी, खून खराबा? बहुत बड़े हो गए हो तुम, बड़ी बड़ी बातें करते हो। नहीं, इतने बड़े संसार में मैंने घूम फिर कर जब मैंने देखा तो अपने आप को बहुत छोटा पाया। कौन सा राग गाने से बारिश होती है बताओ? बताओ श्री रागम। ओके, कर्नाटक से गुनगुना के सुनो। अपने पति के मरने का इंतजार कर रही थी भैया। पति की चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई और अपने यार की रगरेलिया मनाने आ भी गई। रहने के लिए घर नहीं छोड़ा, सब कुछ बेच खाने के बाद मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। तुझे सोने और ऐश करने के लिए यही घर मिल गया था। मैंने दादाजी के हुक्म का पालन किया है, तुम्हें जो कुछ कहना है कहो, मैं अभी यहाँ से कहीं भी जा सकती हूँ। तो फिर निकल अभी इसी वक्त। नहीं, इंदुलेखा ये घर छोड़ कर कहीं नहीं जाएगी। क्यों, तूने इसे खरीद लिया है क्या? मैं मर गया हूँ जो इसका भला बुरा सोचने के लिए तू आ गया है? उसको सुकून की जिंदगी जीने दे, चला जाए यहाँ से। तू मेरे हाथ से मर जाएगा नहीं तो चल निकल यहाँ से। तू मुझे पहचानता नहीं आ रही? अरे मार खाने से पहले तेरे जैसे जितने भी हैं वो सब इसी तरह के डायलॉग बोलते रहते हैं। तू कौन है, यहाँ का एमपी है क्या? अपनी सगी बहन की जिंदगी बर्बाद करने वाले भाई के साथ अगर वह जाना भी चाहती है तो भी मैं से जाने नहीं दूंगा तेरे साथ। अभी शांत हो जा, जा इधर से। इस गांव में सवाल करने वाले और भी लोग हैं, मत भूलना। ये चल निकल, जा जिसको बुलाना बुला के लेके आ। जितनों को भी लाएगा सबकी लाशें बिछा करके यहीं ढेर कर दूंगा, समझ गया ना? अरे तू अंदर जा, तेरे सारे सवालों का जवाब देने के लिए हम दोनों ही काफी हैं। तू इज्जत से जाता है या नहीं? बहन की दलाली करके पैसा खाने वाले, तू अभी भी उसकी दलाली करने से बाज नहीं आ रहा? चल भाग यहाँ से, ले जाओ इस दुष्ट को। माफ करना है तू, अब ऐसे लोगों से इससे ज्यादा मैं शराफत से पेश नहीं आ सकता। लेकिन लोग क्या कहेंगे? अगर लोगों के महात्मा और मदर टीजा बनने तक का इंतजार करेंगे तो बोलो अभी कभी चैन से जीने नहीं देंगे, ये बात समझ लो। मुझ पर भरोसा कर सकती हो, तुम्हारा आत्मविश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा। आओ माँ। आज तक महल के बारे में सुना था, आज आंखों से देख रही हूँ। ये घर मुझसे कब से कह रहा था?
माँ भवानी यहाँ आने के लिए बरसों से इंतजार कर रही है। क्या करता, स्वर्गीय गंगाधर जी ये काम नहीं कर पाए, ये उनके नसीब में नहीं था, मैं क्या करूँ। ऐसी बातें कर रहा है, बड़े के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। पता नहीं क्यों मेरा शरीर कांप रहा है, इस चौखट के अंदर जाने की हिम्मत शायद आज भी मुझ में नहीं है। माँ तुम इस वक्त अपने बेटे के साथ हो, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, चलो। तू यहाँ जब रहने आई तो मैं भी यहाँ आके रहूं, ऐसे मेरे बेटे ने जिद की, इसलिए यहाँ आना पड़ा। मैं यहाँ कितने दिन रहूंगी ये तो मैं भी नहीं तुम्हें कह सकती, वहाँ पर भी मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। वहाँ की सारी चीजें मैं यहाँ पर ले आऊंगा। बहुत अच्छा कहा तुमने। मेरी जैसी बदनसीब माँ शायद इस कोई संसार में होगी। इस उम्र में एक बेटा दिया ऊपर वाले ने और अब तुम मिली, इस जन्म में जो नामुमकिन था सपना वो पूरा हो गया। ये वही भगवान है माँ, जिसने माँ भवानी को गंगाधर से और इंदुलेखा को मुझसे मिलवाया है। हमारी जिंदगी में अगर कोई गलती हुई तो भगवान हमें क्षमा करना, यही हमारी प्रार्थना है। हाँ बेटा, हर भगवान के पीछे एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, इंसान को उसे पहचानने की और उसे आदर करना चाहिए, तभी सफल होगा। चल बेटा, आज मैं तुम लोगों को अपने हाथों से खाना बना के खिलाऊंगी। हाँ? अच्छी माँ पाने के लिए बहुत बड़ी किस्मत चाहिए। जाओ, आज तुम्हें एक अच्छी माँ मिली और तुम एक अच्छी माँ की बेटी बनकर दिखाओ। एक अच्छा मौका है, ऐसा मौका सबको नहीं मिलता। जाओ सिद्ध करो। ये लो पकड़ो। माँ की आने की खुशी सबको है, मगर पार्टी बाहर करनी पड़ रही है। पार्टी बाहर करने के लिए ही तो माँ को अंदर लाया गया है। छोटे तू नहीं लेगा? नहीं पीने में क्या मजा आया, ये तो नहीं पीने के बाद ही पता चल सकता है। भाई लोग थोड़ा ये भी पता चले दो। हाँ तो बड़े भैया, नहीं आज मुझे मंदिर जाना है। वैसे कल भी मंदिर गए थे, शायद कोई खास रिपोर्ट दर्ज कराना है। रजनीकांत की नई फिल्म रिलीज हो रही है क्या? प्रार्थना करते समय बोतल नीचे रख के हाथ जोड़ के खड़े थे, नीचे से किसी ने बोतल लेके चल दिया, इसलिए घर पे मारने के लिए क्वार्टर छुपा के लेके जा रहे हैं। अच्छा तो चोरों जैसा काम किया जा रहा है। पीने दो ना यार, एक नहीं दो पैकेट। राइडर तुम्हारे हाथ में क्या है? ब्रेकफास्ट है। बेस्ट जानी बेस्ट, छुपा के तू इधर से निकल ना जा, इसलिए हम यहाँ बैठे। ला इधर। नहीं दूंगा, इसमें खास खीर है क्योंकि आज श्री हरि का बर्थडे है। अच्छा, ये बात सिर्फ मुझे याद थी? तो फिर खाली खीर से काम नहीं चलेगा, सब कुछ चाहिए, शराब पापड़ और पिक्चर भी। मैं को क्यों तकलीफ दे? माँ से नहीं कहेंगे तो हम किससे कहेंगे? है जोशी चल पैक बना, मंदिर में कल चला जाऊंगा। के वो दिन याद है क्या? ये मालविका, हाँ? देखो लवर कितने खुश है। हाँ। आज सब लोग पेड़ के नीचे क्यों खड़े? क्या कोई बहुत खास बात है? हाँ? घर में एक नई हिंदी फिल्म रिलीज हुई है। मलयालम में डबिंग है मगर डायलॉग सब इंग्लिश में बोले जा रहे हैं, इसलिए हम सब बाहर आके खड़े हैं यहाँ पर। मैं समझा नहीं। तेरी एक फ्रेंड आई हुई है दिल्ली से। हाय दुर्गा। This is too much hurry. Hey. ये तुमने क्या कर दिया? मैं बताऊंगा। जी करता है खींच के दूंगा तुम्हें। दे सकती हो? अरे कम से कम एक फोन तो कर सकते थे। कितनी तकलीफ उठानी पड़ी तुम्हारा पता लगाने के लिए। तुम्हारा ये बचपना दूसरे को कितना परेशान करता है पता है तुम्हें? हम लोग जरा बाहर चलते हैं। बाहर चलते हैं? एक ड्राइव पर। ओके, गिव मी 5 मिनट्स। दुर्गा,
मेरी दिल्ली की दोस्त है। क्यों अचानक इस तरह आने की वजह क्या है? नहीं आप क्या समझ रहे हो, मैं डूब गया क्या? ऐसे कैसे तुम डूब जाओगे? डूबने में भी मजा है। तुम कुछ टेंशन में लग रहे हैं। यार मुझे ढूंढते हुए इतनी दूर से एक आटा में, तो किसी को भी टेंशन हो सकता है ना यार, क्यों भाई साहब? वो तो होगा। इंदुलेखा, मैं समझा इसकी बीबी होगी। किसकी यार? क्लोधा, क्लोधा। क्लोधा की माँ की। अरे चुप। I'm ready. Yeah. दुर्गा, ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं। Hello. Excuse me. I'll drive. Okay. ये पार्टी तो पहले से फिट है। इस कहानी का अंत अब सुखद होगा ये हम सोच ही रहे थे कि अचानक ये नया एपिसोड कहाँ से आ गया। ये सोच के मैं पागल हो रहा हूँ। जी हाँ, ऐसे वक्त पर उसे नहीं आना चाहिए था। कौन है वो? एक दोस्त है। उसके आने से दोस्त को क्या तकलीफ होगा? हे आकाश, ये आदमी नहीं एक औरत है। वो हरि के साथ जिस तरह से मिलजुल रही है, तो जाने कब और कैसे उस औरत के साथ हरि जी चले जाएंगे क्या? मैं तो अभी भी निश्चिंत हूँ, देखना सब ठीक हो जाएगा। काफी देर वेट करके माँ सो गई है, आपके लिए खाना लगाऊं? नहीं नहीं दुर्गा, तुम्हें नो। राइटर, अंडा पानी आइस क्यूब्स ऊपर पहुंचा दो। मेरे लिए थोड़ा फ्रूट्स। हाँ वो ले आएगा। अबे मोटी, तू मेरी कहानी में खलनायिका का रोल अदा करने आई है क्या? मेरी कहानी में जब भी तेरा जिक्र आएगा, मेरी कलम तेरे नाम पे वोमिट करेगी, देख लेना। और कुछ भाई साहब? और एक पेट्रोल पंप का लाइसेंस मिलेगा क्या? हाईवे पर चलेगा? नहीं, कल परसों तक भी मिलेगा तो चलेगा, फिलहाल तुम जा सकते हो। ठीक है। You are crazy. आप सोई नहीं? नहीं, उन लोगों के लिए खाना। उन लोगों ने शायद खा लिया, इसीलिए तो मना किया। हरि के साथ वो औरत भी है, तो दो ग्लास पैक बनाने की क्या जरूरत थी, एक खाली भी तो रख सकता था। मुझे उस औरत का चाल चलन ठीक नहीं लग रहा है। तुम भी जाओ अपने कमरे में सो जाओ। माँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे वहाँ पर बहुत काम है। जा रहा हूँ मतलब कुछ दिनों के लिए ही ना, जाने के बाद वापस आएगा ना? आऊंगा, इसका कोई भरोसा नहीं, आऊंगा कह के झूठा वादा नहीं कर सकता। आ भी सकता हूँ और नहीं भी आ सकता हूँ। कैसी बातें कर रहा है, नहीं आएगा तो कैसे चलेगा? हम सबको तू छोड़ के जाना चाहता है, तो मम्मी ये सब नहीं होने देगी। हम जो कुछ भी सोचते हैं वो सब हमेशा सच तो नहीं हो सकता अम्मा, यही तो जिंदगी की हकीकत है। जितनी उम्मीद की थी मैंने उससे कहीं बढ़कर, मुझे यहाँ पर तुम्हारा प्यार मिला। मैं एक अनाथ बनकर यहाँ से गया, फिर लौटा तो मुझे मेरी माँ मिल गई। लेकिन हमारे लिए काफी नहीं है, हमें तुम चाहिए। ऐसा कुछ जरूरी काम है तो तुम जरूर जाओ, मगर फिर वापस जरूर आना। तेरे साथ जिंदगी गुजारने के लिए अब कोई तेरा इंतजार कर रहा है, सिर्फ वही नहीं, मैं और तेरे दोस्त भी हैं। हरि, there is late night flight from Cochin. Cochin to Bombay, Bombay to Delhi. Ticket available है, मैं लेने जा रही हूँ, okay? बेटे। हाँ ले लो दुर्गा। Yes, this is Durga here. श्री हरि मेनन एंड दुर्गा। ओके, मैं ऑफिस से कलेक्ट कर लूंगी। कौन? प्रवीण। ठीक है, मैं उनसे कांटेक्ट कर लूंगी। ओके, थैंक यू। भाभी, ये लोग जाने की बात कर रहे हैं। वही तो, प्लेन की टिकट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब वो ले जाने आई है क्या? आहिस्ता बोलिए, सुन लेगी वो। यस दुर्गा, इट्स फ्लाइट फ्रॉम कोचीन वाया बॉम्बे, सेंड टू टिकट्स, टाइम। ओके बाय। जा रहा हूँ कहने के सिवा और कुछ भी नहीं कह रहा है। उन्हें रोकना चाहकर भी हम रोक नहीं पा रहे माँ। जिंदगी के सफर में बिना बताए जाने वालों को अब तक देखते आ रही हूँ। हम सबका एक ही सपना था, श्री हरि और इंदु का फिर से मिलन हो जाए। तुम्हारे आने से सारा खेल चौपट हो गया। मैं तुमसे जो कह रहा हूँ वो गलत है, कह बिना रह भी नहीं सकता।
तुम अगर कुर्बानी दे दो तो उसे नरक से स्वर्ग में आने का एक और मौका मिल जाएगा। अब देखो तुम दोनों के बीच में क्या रिश्ता है ये तो हम लोगों को अभी तक कुछ नहीं पता चला है। एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। ये बात जानना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, कहीं तुम दोनों शादी तो नहीं करने वाले हो? देखो बेटा, यहाँ पे बड़े लोग और भी लोग हैं, तुम्हें कहने में शर्म आ सकती है, मगर तुम घबराओ मत, अपने दिल की बात हमें खोल के बताओ। अगर तुम्हें जवान दे चुका है तो हम शादी रोक देंगे। तुम दोनों के बीच रिश्ता क्या है हमें बस ये जानना है। आई एम डॉक्टर दुर्गा चंद्रशेखर, श्रीहरि मेरे और मेरे पति के सबसे करीबी दोस्तों में से एक है। साउथ दिल्ली में मैं और मेरे पति एक हॉस्पिटल चलाते हैं। हमारे यहाँ एडमिट हुआ एक पेशेंट बिना कुछ बताए वहां से चुपचाप न जाने कहाँ चला गया। मैं उसी पेशेंट को वापस ले जाने के लिए आई हूँ। दुर्भाग्य से वो पेशेंट आपका श्रीहरि कैंसर का मरीज है। कौन सी बीमारी ने तुम्हें इतना व्याकुल कर दिया श्रीहरि कि तुम इतना भटक गए हो? जिंदगी की गलियारों से मौत की तरफ बढ़ने वाले इस कैंसर पेशेंट हरि को मेरे अच्छे दोस्त ने नई जिंदगी दी है, जिसमें डॉक्टर दुर्गा भी शामिल है। पहले तो मुझे इनकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, और ना तो अब मुझे इन पर विश्वास है। जिंदगी कब मौत की आंधी के साथ उड़ जाए उस डगर पे आज भी मैं जिंदगी के साथ जूझ रहा हूँ। मैं नहीं जानता मुझे किस्मत कहाँ ले जाएगी। इस डूबते हुए सूरज की लालिमा से मुझे मौत की आहट बहुत करीब से सुनाई दे रही है। आज मैं अपनी हिम्मत खो चुका हूँ। मैं किसी भी कीमत पर मरना नहीं चाहता गुरु जी, लेकिन ये सच्चाई से मैं जानता हूं कि मैं डर के भाग भी नहीं सकता और जीत भी नहीं सकता। गुरुजी, मेरा प्यार मुझसे बहुत दूर जा चुका था, मगर अब वो मुझे मिल गया है। मैं जीना चाहता हूं गुरुजी, मेरे दोस्तों को और मेरी मोहब्बत को मैं खोना नहीं चाहता, मैं खोना नहीं चाहता। संगीत एक दिव्य औषधि है जो तेरे जिस्म में नहीं जिस्म के नस नस में समाया हुआ है, जो लहू के रूप में तुम्हारे दिलो दिमाग में मचलता है। संगीत ही गम की औषधि है। सात सुरों की देवी ने तुम्हारे अंदर की बीमारी पे विजय प्राप्त कर लिया है। जाओ, तुम्हारे जो साथी हैं उनका कहना मानना पड़ेगा। वो लोग जैसा कहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा ही करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरी संगीत शाला तुम्हारी हमेशा प्रतीक्षा करेगी तुम्हारी आवाज सुनकर मोक्ष पाने के लिए। श्रीहरि, तो फिर तुम कैसे मर सकते हो? मैं अपने डर पर आज विजय पा रहा हूं। गुरुजी, मुझे वापस आने का आशीर्वाद दीजिए। स्वस्ति आयुष्मान भव सदंजीव सर्ववर्धमान षदमुखे वंदानम राम 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 राम। दादाजी की हालत कैसी? उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी है क्या? जी हाँ, डॉक्टर रेड्डी ने आपको बुलाया है। ठीक है, चलिए। कौन 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 है तुम लोग? छोड़ दो, जल्दी छोड़ दो। लोग गलत कहते हैं, रमन पागल है। माँ ने भी कहा, दोस्तों ने भी कहा, और उसके बाद रिश्तेदारों ने कहा। उन सबके कहने के बावजूद भी मुझे किसी की परवाह नहीं, क्योंकि ये सच बात है। ये पागलपन बरसों से मेरे साथ है, क्योंकि इस रमन ने पैदा होने से ही पागलपन को अपने साथ रखा। क्योंकि मैं तेरे लिए पागल हूं इंदु, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैंने संगीत नहीं सीखा, ना ही मेरे पास रजवाड़ी की परंपरा है, फिर भी एक लड़की मुझे अच्छी लगी,
मगर वो भी छिन गई। तुम्हें पाने की मेरी सारी कोशिशें बेकार गईं। लेकिन आजकल पुलिस पागल कुत्ते की तरह मुझे पकड़ने के लिए ढूंढ रही है। मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। कुछ दिन कोर्ट कचहरी का नौटंकी भी चलेगा, लेकिन लौट आऊंगा मैं। मगर उसके दरमियान तुम और श्रीहरि ये गांव छोड़ के फरार हो, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। इसलिए इस रमन को तुम्हारा प्यार चाहिए, आज के आज ही, ताकि रमन तुझे याद रहे। तेरी हार में मेरी जीत है, क्योंकि यही सच बात है। और तुमको अपना बनाए रखने के लिए लो ये सारे गहने पहन लो। वाह, आज भी बढ़िया मौसम है। बचपन में खेल खेल में तुमने एक बार श्री हरि को किस किया था, आज भी वही बारिश हो रही है। आज की ये बारिश मेरे लिए है। तुम मेरी जान भी ले लो, मगर तुम मुझे हासिल नहीं कर सकते। मेरी लाश के ऊपर तुम ये गहने और साड़ी डाल के अपनी जीत का जश्न मनाना। नहीं मारूंगा तुझे, क्योंकि तुझे तकलीफ देना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आज मेरी यहाँ जीत पर अगर तुझे रुलाना भी पड़े, जल्दी तैयार हो जा। बेस्ट जॉनी, बेस्ट। पुलिस से छुप के अपने खानदानी डेन में छुपा बैठा है। ये सब क्या है, फूलों की सजावट? कर गया ना गलती, जो गाड़ी तूने भेजा था ना, वो मुझे पहले से पता था तेरी गाड़ी, इसीलिए मैं पीछे पीछे आ गया तेरे। अगर मैं वहां कुछ बोलता तो तेरे आदमी को पता चल जाता और मुझे रोक लेते थे। अरे भाई, लड़की को जबरदस्ती उठा के ले जाना बहुत पुराना स्टाइल हो गया है। हाँ ये बात जरूर है, तुझे जिसने भी पैदा किया ना, उस खून में जरूर मिलावट है। ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ। मैं ये साबित करने नहीं आया था कि पीताम्बर को मैंने खेतों के बीचों बीच नंगा करके मारा था, समझ गए तुम? लेकिन पीताम्बर को मार के मेरी क्रोध की ज्वाला अभी ठंडी नहीं हुई है, क्योंकि पीताम्बर तो एक मोहरा था जिसे तुमने इस्तेमाल किया। फिर भी खून का घूंट पीकर तुम्हें अपना पुराना दोस्त समझकर ये सारी बातें भुला देना चाहता था, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। मैंने तुम्हें अच्छी तरह समझाया था, फिर भी तुमने इसका पीछा नहीं छोड़ा। जो आदमी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, तुमने उसकी भी जान ले ली और फिर भी तुम्हें चैन नहीं आया। नहीं, अगर एक खून और भी करना पड़े तो ये रमन जरूर करेगा। इसे पाने के लिए शायद तुझे भी मारना पड़े। मुझे मारेगा? वो इसके सामने मत करना। अरे बिन्नू, बहन को यहाँ से लेकर जा। अच्छा, तो क्या मैंने चूड़ियाँ पहन रखी है? इंदु, तुम जाओ यहाँ से, घर जाओ। तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? जाओ कहाँ ना, रमन ने जो दर्द दिया आज उसे सूद समेत लौटाना। मेरे पास वक्त नहीं है, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, मैं इसे देख लूंगा। अब तुम्हारा टाइम खत्म हो रमन। रमन ये ले।
श्री हरी, उसको हमारे हवाले कर दो। इसको सुखा के खुरच खुरच के कुछ निकालना इसमें से। ए, पुलिस वाले तुझे गांव में ढूंढ रहे हैं, तू इधर छिपा है। तूने क्या सोचा, बच जाएगा? तूने जितने पाप किए तुझे इस दुनिया की अदालत तो क्या, उस दुनिया की अदालत भी माफ नहीं करेगी। मैं अगर चाहूँ तो अभी यहीं पर तेरी जान भी ले सकता हूँ। जा, पैसों के बलबूते पे खरीदे हुए तेरे वकील, तेरे आसपास रहने वाले चमचे और सारे पहलवान अगर तुझे बचाकर बाहर ले आए तो शायद तुझसे फिर मुझे मिलना पड़ेगा। तब तेरी सारी पहचान और ताकत इस श्री हरि के हाथ से तुझे बचा नहीं पाएगी। मार दूंगा तुझे, गलियों में दौड़ा के मारूंगा तुझे। है चल, चल इसको गाड़ी में डालो। थैंक्स। माँ, मैं आ जाऊंगा। माँ, अपनी माँ से ये वादा करके जा रहा हूं मैं। जब मैं छोटा था तो कहीं भी खेलने जाता था तो मैं हमेशा कहता था ना कि माँ मैं वापस आ जाऊंगा। आज भी वैसा ही समझो। जाते समय अपनी माँ के आंसुओं को जब मैं छोड़ के जाऊंगा तो उस माँ के आंसुओं को क्या मैं रोकने वापस नहीं आऊंगा? इस माँ को विश्वास है तुम मेरे बेटे हो। बेटा अपनी माँ से झूठा वादा नहीं करता। तुम बहुत ही जल्दी मेरे पास लौट आओगे। हरी, आओ चले। जरा अपना हाथ देना। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सफर में जा रहा हूं तो मुझे आज कोई रुलाएगा नहीं। मुझे खुशी खुशी विदा करना, कोई मेरे जाने के बाद रोएगा नहीं। अरे स्वामी, पीछे क्यों खड़े हो? हाथ तो मिलाओ मुझसे। अरे क्या नाराज हो गए क्या? मुझे भूल मत जाना, मैं लौट के आऊंगा। मेरा इंतजार करना भाई, मैं आऊंगा। बड़े भैया, इस घर की अब सारी जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में है। क्या है कि राइटर भटक जाता है और यही है जो उसे सही रास्ता दिखा सकते। क्यों बड़े भैया? ए, आई एम लीविंग। राइटर, तुम्हें काम करना। ये बीमारी और इसके दर्द का एहसास तुम अपने हिसाब से लिख देना। श्री हरि अपने चार्टर प्लेन में हमेशा हमेशा के लिए अपना सब कुछ छोड़ करके ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। जो सपने समझौता है वही राइटर होता है। सपने देखें तो बुरे सपने क्यों देखें, अच्छे सपने क्यों ना देखें, ताकि हैप्पी एंडिंग हो। इंदु। हाँ। चलोगी मेरे साथ? ले जाओ इसे अपने साथ। बाकी बची हुई जिंदगी के कुछ दिन हो या कुछ साल हो, तब तक कि ये मेरे साथ रहेगी। ले जाओ बेटा, तुम्हें किसने मना किया है? ले जाओ मेरे बच्चे, और जल्दी ठीक हो के आना। हम लोग यहीं पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। बेस्ट जॉनी, बेस्ट। वो घर और उसके घर वाले जो उसको चाहते हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं जिंदगी के सफर में फिर से खुशियों को लाने के लिए। जिस दिन उसने पहला कदम बाहर रखा तब से लेकर आज तक उम्मीद है उस घर को चांद और सितारों से सजाने जरूर आएगा।